हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय टू चैनल। मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम इस कहानी में देखते हैं, हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो घोड़े पर सवार होकर आ रहा था, जो कि हमारा मेन लीड रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली ये ड्रीम देख रही थी हमारा फीमेल लीड, जिसका नेम फोन के रिंगटोन से खुल जाता है। वो लेट हो जाती इसकी वजह से और जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं दो लड़के रहते हैं जो कार ड्राइविंग करके कहीं जा रहे होते। एक तो हमारा मेन लीड रहता है और दूसरा उसका फ्रेंड रहता है। फिर हम देखते हैं जो हमारा फीमेल लीड रहती है वो अपनी स्कूटी लेकर कॉलेज के कैंपस में चली आई थी। कुछ लड़कियां वेट करती रहती है। जब उस कार में से मुझे निकलता है तो सबका तो उम्मीदों पर पानी ही फिर जाता है। वो बोलता है, हमारा प्रिंस चार्मी कहाँ है, तुमने हमें उसमें से देखने क्यों नहीं दिया। मुझे यांगलिंग का कॉल करता है जो कि हमारा मेल लीड है। मुझे यांगलिंग को बोलता है कि मैंने अपना जान को रिस्क लेकर मैंने तुम्हें बचाया तुम्हारी फैन गर्ल से, अब वो लोग कैंपस से चली गई। फिर यांगलिंग बोलता है, पॉइंट पे आओ, तुम बोलना क्या चाहते हो। तो मुझे बोलता है कि वो लोग तुम्हें नहीं ढूंढ पाई और वो लोग वहाँ से चली गई, और मोजो से गुड लक कहकर फोन कट कर देता है। फिर यांगलिंग किसी का वॉइस रिकॉर्ड सुन रहा था, उसने वो बोला कि तुम कहाँ हो, जल्दी से जल्दी आओ, तुम्हें कैमरा के सामने आना है, ताकि जल्दी करो जल्दी आओ। देखते यांगलिंग लिफ्ट में था और फिर हमारा फीमेल लीड भी आती है, उसे लिफ्ट रोकने के लिए बोलती है, पर ऐसा यांगलिंग नहीं करता है और वो लिफ्ट को बंद कर देता है। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि ये तुम लिफ्ट में दौड़े दौड़े चले आए, या लिफ्ट तुम्हारे क्या फैमिली का है। फिर वो वॉशरूम ढूंढ रही थी, वॉशरूम में जाके वो अपना कपड़ा चेंज करती है, अपना गेटअप को चेंज करती है। जो फीमेल लीड हमारी रहती है वो यांगलिंग का पोस्टर देखकर बोलती है, वाह कितना हैंडसम है। जैसे ही वो पोस्टर दो बंदे वहां से लेकर जाते हैं, यांगलिंग जो कपड़े चेंज कर रहा था हमारी फीमेल लीड को पूरा देख लेती है। वह यह सब देखकर अपना मुंह बंद कर लेती है। यांगलिंग उसको मुंह बंद करने के लिए बोलता है और फिर बोलता है कि तुमने कोई हैंडसम लड़का को नहीं देखा है क्या। फिर वो वहां से खिसक लेती है। फिर वो एक लड़की के पास जाती है और उससे पूछती है कि यह वही जगह है जहां पर एप्लीकेशन फॉर्म एक्सचेंज स्टूडेंट के लिए है। वो लड़की बोलती है, हाँ तुम कौन से डिपार्टमेंट में हो। तो बोलती है कि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ और मेरा नाम ए जिन हैन है। वो लड़की बोलती है, येन मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में सेकंड टॉपर हो ना, एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, क्या तुम चैलेंज कप में नहीं जा रही हो। वो यांगलोंग तो जा रहा है, तुम क्यों नहीं जा रही हो। वो कॉलेज में नंबर वन टॉपर है। जब येन रिपोर्ट देखती है तो बोलती है कि अटेंडेंस का कंपलसरी है। तो वो लड़की बोलती है, हाँ अटेंडेंस बहुत ज्यादा कंपलसरी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इधर लाओ की एग्जीबिशन चालू हो गया था, तो वहाँ पे लेक्चर देना स्टार्ट, और वो वहाँ पे लेक्चर दे रहा था कैंसर मैनेजमेंट के बारे में। तो लड़की बोलती है कि यांग तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो, तुम जल्दी से जाओ। यांग वहाँ से रिपोर्ट लेके जल्दी जल्दी जाती है। फिर हम लाओ को बड़े से टीवी स्क्रीन में देखते हैं और सभी लड़कियाँ उसी को देखी जा रही थी। तो यांग आती है और एक लड़के से पूछती है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के बारे में कुछ पूछ रही थी। तो वो लड़का बोलते, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितना बिजी हूँ, तुम डिस्टर्ब करने आ गई। जहाँ पे लाओ भाषण दे रहा था वहीं पे एक पार्टनर का जरूरत था, सभी लोग उसका पार्टनर को ढूंढ रहे थे, यहाँ पे कोई नहीं मिलता। तभी जबरदस्ती यांग को वहाँ पे कैमरा के सामने उसको भेज देते हैं। जब लाओ हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो यांग उसको देखती है और सोचती है तुम। फिर लाओ यांग को देखकर लंबा चौड़ा लेक्चर देने लगता है, कितना कॉन्फिडेंट था यार, इतना कुछ कैसे पता है उसको। और यांग तो बस सोचती रहती है, उसको एकदम गुस्से से एटीट्यूड वाला लुक देती है। लाओ कैमरा के सामने बोलता की ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा नर्वस हो रही है, इसलिए कुछ नहीं बोल पा रही है। फिर लाओ का अचानक सा नजर यांग के ड्रेस से पड़ जाता है जो ओपन था थोड़ा सा। लाओ यांग को इशारा कर रहा था कि ड्रेस ठीक करो। फिर यांग को कुछ गलत लगता है, उसे जोर से थप्पड़ मारकर वहां से भाग जाती है। जो बाहर बड़े स्क्रीन में लाओ को देख रही थी सारी लड़कियां एकदम चौंक जाती है, बोलती ओह माय गॉड, प्रिंस चार्मी को थप्पड़ मार दी एक लड़की। वहां पे लाओ अपना लेक्चर देती है कि सारी लड़कियां ऐसे ही होती है और कभी भी गिव अप नहीं करती है, देख लो। इसके बाद हम देखते हैं जितनी भी फैन होती है प्रिंस चार्मी की यानी लाओ की, वो उस लड़की के पीछे यानी यान के पीछे भागने लगती है और यान छिप जाती है। फिर वह उसके फैन वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यान को कोई कॉल करता है। फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो यान को कॉल करती की थी, और वो एक्चुअली उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम टू याओ। वो बोली है कि वो उसे शाम में मिलेगी, और यान वो अपने काम में लग जाती है, वो ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए चली जाती है।
फिर हम देखते हैं कि लव जो शावर ले रहा था, फिर उसको अचानक से घर का रिंगटोन बजता है कुछ डिलीवरी के लिए। वो बाहर निकल के ऑर्डर लेने के लिए आता है। कैन देख लेती है कि वही लड़का जिसने थप्पड़ मारा था, वो अपना फेस कवर करने लगती है। फिर लव उसको बोलता है ऑर्डर खोलने के लिए। वो बॉक्स खोलती है तो उसमें कुछ नहीं रहता है, तो लव पूछता है इसमें कुछ क्यों नहीं है। यान एकदम डर जाती है, फिर वो अचानक से खोलती है जिसके वजह से वो ब्रेसलेट जो रहता है नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तभी लव उसका फेस देख लेता है और बोलता है तुम तो वही लड़की हो जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। तो यान बोलती नहीं नहीं मैं वो नहीं हूँ। फिर लव यान का कैप हटाता है, बोलते कि हर जगह तुम कैसे आ जाती हो, तुम मेरा पीछा कर रही थी ना, पीछा करते करते मेरे घर भी आ गई ना। यान बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट कोइंसिडेंट है। फिर यान बोलती कि ऐसा कुछ नहीं, तुमने मेरा ड्रेस छुआ था इसलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। फिर लव उसको बोलता है कि तुम्हारा ड्रेस ओपन था इसलिए मैंने बोला था कवर करने के लिए। फिर यान को याद आता है कि सच में उसका ड्रेस खुला था, वो उसको सॉरी भी बोलती है, बोलती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा और मुझे माफ कर दो, और बोलती कि जो फैसले तुम्हारा टूट गया मैं उसका कंपनसेशन देने के लिए रेडी हूँ। अब बोलता है ठीक है, तुम क्या थप्पड़ का भी पे करने वाली हो जो सबके सामने तुमने मुझे मारा था। तो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पे लव को उसकी माँ को कॉल आता, बोलता है कि इमीडिएटली तुम कहीं से भी गर्लफ्रेंड अपनी लेकर आओ। फिर यांग को अचानक से आइडिया आता है, अब बोलता है कि मैं तुम्हारे इसमें हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हें झूठी गर्लफ्रेंड बन के, क्योंकि उसको इतना सारा पेमेंट करना था ब्रेसलेट का। फिर यांग वहाँ से जाने लगती है और फिर काउंट करती है 5 4 3 2 1 तो बुला लो, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ। फिर लव के पास कोई ऑप्शन था नहीं, उसको रोक ही लेता है। फिर यान बोलते कि तुम टेंशन मत लो, मेरा एक्टिंग स्किल इतना अच्छा है ना कि सब तुमसे कन्विंस हो जाएंगे कि मैं ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो यान को लेकर जाता है ड्रेस चेंज करने के लिए, बिकॉज ऐसे कपड़े में तो पार्टी में जा नहीं सकती थी। वो बहुत सारा कपड़े चेंज करती है, लव को कुछ पसंद ही नहीं आया था। फिर लास्ट में यान ऐसे ड्रेस पहन कर आती है जो लव उसको बस देखते ही रह जाता है, और डिजाइन वो खुद की थी। फिर वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। लव बोलता है कि सॉरी मैं लेट हो गया पार्टी में, तो उसकी सिस्टर बोलती वाह तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आए हो पार्टी में, बोलती तुम दोनों साथ में डांस क्यों नहीं करते हो, पहले तो दोनों डांस करते हैं पर कोलैबोरेशन नहीं कर पाते हैं। फिर वहां से लव जाने लगता है क्योंकि वो लोग डांस अच्छे से कर नहीं पा रहे थे। फिर यान अपना कपड़ा हवा में उड़ाती है, फिर लव के साथ एकदम अच्छी तरीके से डांस करने लगती है। उन लोग को देखकर मुझे और उसके सिस्टर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो रहे थे। लव बोलती मम्मी से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये मेरा गर्लफ्रेंड है। उसकी माँ बोलती कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे वक्त जानते हो। फिर उसकी माँ बोलती है तो बोलती कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, पहले तुम्हें बता देना चाहिए था ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर यान अपना दिमाग लगाती है और बोलती है कि आंटी लव आपको सरप्राइज देना चाहता था आपके बर्थडे पार्टी में, बोलती कि मैं बहुत ही चाहता हूँ ये तोहफा पाकर। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जिया है, वो लव को बचपन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और जिया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस फील हो रही थी। लव और यांग बोलते है कि हम लोग जाते हैं, फिर उसकी मम्मी कन्विंस करके रोक लेती है। फिर हम देखते हैं यांग तो वहाँ पे सारा पेस्ट्री खाए जा रही थी। लव उसे रोकने आता है कि तुम क्या कर रही हो, तभी उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है और वो जिया रोई देखती रहती है। हो जाता है कि जिया मुझे और सिवान भी देख रही थी। सिवान बोलती है कि यान का बैकग्राउंड क्या है, तो मुझे बोलता है यार मैं पहली बार इन लोग को ऐसे देख रहा हूँ। सिवान बोलती है कि तुम्हें नहीं पता इन लोग के बारे में, ये सचमुच मेरी कजन की गर्लफ्रेंड ही है ना। मुझे बोलता है क्यों उसे गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है, तो मुझे पता नहीं है। तो यान लव को मार्शमेलो देती है, बोलती बहुत ही ज्यादा स्वीट है। और उधर से जिया लव के पास आ रही थी, मुझे लव से पूछने जा रहा था कि सचमुच तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तभी सिवा मुझे को रोक देती है। उसी तरफ जिया यान को शैंपेन ऑफर करती है, बारे में वो जानना चाहती थी। फिर जिया बोलती कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। तो यान बोलती क्या तुम मुझे जानती हो, यान बोलती तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। जिया लव को बोलती मुझे पता है तुम्हें आंटी बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रही है गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए, पर तुम ऐसे ही किसी लड़की को लाकर बोलोगे मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा थोड़ी ना होता है। लव उसकी तरफ घूमता और बोलता कि तुम मुझे जानती हो जिया, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। फिर वो यान को पकड़ कर वहाँ से चला जाता है। तभी यान बोलती कि मैंने अभी तक तो पेस्ट्री भी नहीं खाया है। उसमें से फिर एक कप उठा लेती और खाने लगती है और उसमें से थोड़ा सा लिप में लग जाता है। फिर लव उसको पूछता है। दूसरी तरफ यान लव को ब्लेम करती है, बोलती कि तुम्हारी वजह से मैं और केक नहीं खा पाई, ये पता है कि तुमको लड़कियाँ पसंद नहीं है, को एग्जैक्टली तुम मुझे बता ही दो कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। वहाँ पे मुझे आ जाता है, मुझे बोलता है लव तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड, क्या सचमुच तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड है। मुझे अपना इंट्रोडक्शन देता है यान से कि मैं मुझे हूँ और
प्रिंस चार्मी का बेस्ट फ्रेंड। बहुत सारी लड़कियों का मैं ड्रीम बॉय हूँ। जब मुझे हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है तब हमारी फीमेल लीड बोलती है मेरा नाम यान है। बीच में ही उन दोनों को रोक देता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। मुझे यान को बोलता है तुम रुको मैं वेट करो। बोलती कि मैं क्यों वेट करूं और वहां से चली जाती है। मुझे पागलों की तरह से देखे जा रहा था। दूसरी तरफ हम लॉ की मॉम के देखते हैं और उसकी सिस्टर को देखते हैं जिसकी सिस्टर बोल रही थी कि आंटी मैं आपके लिए एप्पल काट दूं बहुत ही ज्यादा फ्रेश है। फिर वहां पे जिया आंटी आंटी बोलते हुए आ जाती है। हर ड्रामा में एक विलेन होती है वो भी यही है। वो आंटी वही वाला वीडियो दिखाती है जिसमें यान लॉ को थप्पड़ मारी थी। अब बोलती देखिए आंटी कौन लड़की आज प्रिंस चार्मी को थप्पड़ मारी थी। आंटी जब ये सब देखती है तो खुश हो जाती है, बोलती तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी बीच जिया उन लोग को बीच में तो आग लगा ही दी थी। फिर बोलती आंटी मैं जा रही हूँ, तो आंटी बोलती ठीक है जाओ एंजॉय करना। तभी आंटी सिवैन से पूछती है कि लुआन तुम्हारी कॉलेज की स्टूडेंट है। एक्चुअली इस ड्रामे में हम लोग को आगे पता चलेगा कि हमारी फीमेल लीड की ट्विन सिस्टर भी है। इधर यान खाए जा रही थी, एक नंबर की भुक्कर थी, और सिवान वहाँ पे खड़ी होकर सोच रही थी कि इसकी हिम्मत कैसे मेरी कजन के थप्पड़ मारने की। फिर ये दोनों शुरू हो जाते हैं, बैठ कर ड्रिंक किए जा रहे थे। दोनों ड्रिंक करके टुल हो जाते हैं। सिवान बोल रही थी कि तुम्हें पता है कजन पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाया है, अब तुम उनकी फर्स्ट लव हो। मेरा कजन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और रूड भी है, तुम्हें उनके बारे में क्या पसंद है। बोलती कि ऐसा कुछ बात नहीं, हैंडसम तो है पर मुझे पसंद नहीं है। फिर सियान ग्लास पटक देती है और रोने लगती है जोर जोर से और बोलती कि तुम्हें मेरे कजन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें क्यों सिलेक्ट किया। तभी यान के मुंह से ड्रिंक निकल जाता है बाहर और बोलती कि नहीं तुम्हारा ब्रदर में बहुत सारी अच्छी बात है जो मुझे अच्छी लगती है। फिर सियांग उनको हक कर लेती, बोलती कि सबके सामने तुमने मेरे कजन की क्यों थप्पड़ मारा, वो तो ड्रिंक करके पर टल्ली हुई थी। यहाँ पे लाव आता है और लाव आइए उन लोग को लेकर जाते हैं रूम में। फिर यान लाव को बोलती है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पसंद है, तुम्हें कोई लड़की नहीं पसंद है क्यों। फिर वो लोग एक्सीडेंटली गिरने वाले रहते हैं। यान जब गिरती है तो लाव का टाई पकड़ लेती है जिसके से वो ऊपर गिर जाता है। एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट होता है। उसी के बीच में लॉ की मम्मी आ जाती है, तो देख लेती है, बोलती है कि मैंने कुछ नहीं देखा। फिर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यान बस में थी और ड्रिंक अगर तो प्रटुल हो गई थी। फिर तो फ्लैशबैक उसको याद आता है कि लॉ उसे पैसा पेमेंट किया था और बोलती कि मैं जरूर कर सकती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो हॉस्पिटल जाती है, अपनी फ्रेंड लुयान से थैंक यू बोलती है यान का ध्यान रखने के लिए। एक्चुअली हमें इस टाइम ये पता चलता है कि जो हमारी फीमेल लीडर उसका एक्चुअली नाम कुछ और है जो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। वो अपनी फ्रेंड कैसा गेटअप देख कर बोलती है कि जरूर कोई ना कोई मिस्टर है जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है। तो यान बोलती है कौन, वो एक नंबर का रूड एरोगेंट है, मैं तो बस उसका हेल्प कर रही थी क्योंकि मैं उसका रीनी जो हूँ। वो बोलती कि मैंने वैसे तुम्हारा नाम यूज़ किया, वो मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। वो बोलती कि मैं अब से फाइनेंस क्लास अटेंड करने वाली हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम फाइनेंस क्लास कैसे अटेंड कर सकती, तुम तो फैशन डिजाइनर क्लास अटेंड करोगी ना। वो बोलती मैं दोनों कर लूंगी। बोलती अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो क्या करोगी। यान बोलती कि मैं संभाल लूंगी, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। वो बोलती कि मजाक नहीं, तुमको सीरियसली सोचना पड़ेगा। वो बोलती कि फाइनेंस डिपार्टमेंट और फैशन डिजाइनर का क्लास तुम कैसे अटेंड करोगी और ऊपर से तुम इतना सारा पार्ट टाइम जॉब करती हो। यान बोलती कि एक ही रास्ता है जो मैं कर सकती हूँ, अब मैं जरूर करूंगी। फिर हमें यह पता चलता है कि उसकी जो ट्विन सिस्टर रहती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, अब वो कोमा में रहती है। उसका जो भी क्लासेस रहता है, जो भी काम रहता है, हमारी फीमेल लीड करती है जो उसकी ट्विन सिस्टर रहती है, और उसको अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है। जब यान हॉस्टल में जाती है, उसकी रूममेट बोलती है कि मैं तुम्हारी सारा रात वेट की थी, तुम थी कहाँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी प्रिंस चार्मी को मारने की, उसको मारने वाली थी। तभी यान बोलती है, और यान बोलती है वो लड़का, ये अपना फोन निकाल कर लाव को दिखाती है पूरा ग्रुप बुक, देखो मेरा प्रिंस चार्मी कौन है। फिर यान पीछे टर्न होकर बोलती है भगवान ये लड़का फिर से। वो लड़की लंबा चौड़ा अपने लाव आइडल के बारे में लेक्चर देने लगती है और बोलती है कि जिया और लाव एक परफेक्ट मैच है, ये समझी तुम। यान बोलती है मैं समझ गई तुम एक फैन गर्ल हो। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं जो एक नया करेक्टर आया था, उसका नाम यान है, और वो न्यू सेमेस्टर के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ से यान आ रही थी और फिर वो वहां से अपना फेस छुपाकर जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करती है कि उसे देख ना पाए, पर एक्चुअली में यान उसे देख ही लेता है। वो उसका नाम पुकारता है, वो हाय बोलकर वहां से चली जाती है, उसको रुकने बोलता है और उसके पीछे जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम मुझे और लाव को देख रहे थे और वो लोग किसी चैलेंज के बारे में बात कर रहे थे।
मुंह से ला को सारा इन्फॉर्मेशन देता है यान को लेकर ए के बारे में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यान ए के पास आ ही जाता है, बोलते कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, आज मेरा पहला दिन है क्लास का। और वो बोलती कि तुम लेट हो इसलिए मैं तुम्हें अपना बाइक से राइड दे देता हूँ। वो बोलती कि मैं क्लास जा रही हूँ और चली जाती है। जब क्लास में एंट्री करती है तो सब बच्चे ऑलरेडी थे, वो एकदम झुक के देखने लगती, तभी पीछे से लव आ जाता है, बोलते तुम साइड दो मुझे अंदर जाना है। तो या बोलती तुम यहाँ पे कैसे, बोलती थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो, मैं भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ। फिर वो लोग क्लासरूम में बैठ जाते, पीछे से जिया भी आ जाती है और सारे स्टूडेंट लोग बातें करते, लव और जिया का परफेक्ट मैच है और बहुत सारी बातें बोलने लगते हैं। फिर टीचर आते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर उन लोगों को ग्रुप बनाने के लिए बोलते हैं। सभी स्टूडेंट को टीचर बोलता है चूज करने के लिए ग्रुप लीडर को, तो सब लोग लाओ को ही चुनते हैं। को बोला गया था कि तुम एक फीमेल में से चूज करो। जिया तो पूरा सोच रही थी कि मुझे ही चूज करेगा, पर एक्चुअली में होता कुछ और है। वो चूज करता है यान को, दोनों का ग्रुप बन जाता है। फिर लाओ को वहाँ पे पता चलता है कि उसका नाम यान है, लू नहीं, वो झूठ बोली थी उससे। हम देखते हैं वहाँ पे यान बोलती कि मैं कैसे तुम्हें अपना रियल नाम बता सकती थी। यान लॉ से बोलती क्या तुम ठीक हो, क्या हम दोनों एक दूसरे का दुश्मन है अभी भी। तो यान बार बार लॉ को देखी जा रही थी, तो लॉ बोलता कभी तुमने क्या किसी हैंडसम लड़के को देखा नहीं है क्या जो घूरी जा रही हो। फिर उस टीचर यान को उठने के लिए बोलते, बोलते तुमने सुना नहीं जिया ने जो क्वेश्चन पूछा, तो बोलती सर कौन सा क्वेश्चन। टीचर उसको उतना ध्यान नहीं देता है। फिर टीचर यान को बोलता जिया का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। उनको तो इस सवाल का जवाब आता नहीं था, तो उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो लाव को इस मैटर में इन्वॉल्व कर देती है और बोलती सर यह आंसर मुझसे भी अच्छा जानता है। लाव ही वाज लाइक मैं ही। फिर वो इस सवाल का बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है क्योंकि वो टॉपर जो था। फिर टीचर उन दोनों को बैठने को बोलता है और लाव बोलता तुम मुझे क्यों फंसा रही थी। अब बोलता कि तुम मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रही थी। वो बोलता है फ्लर्टिंग तुम्हारे साथ, और उसको बहुत अच्छी तरह से क्लास लगाने लगती है। और इस बात पे लव गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम जो वेस्टलेट का इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाली थी ना, तुम मुझे पूरा पैसा दोगी एक बार में ही। उधर टीचर क्लास में लेक्चर दिए जा रहे थे, इन लोग का अलग ही कहानी चल रहा था। बार बार उसे सॉरी बोल रही थी इमोजी बना बना कर। यान दोनों के बीच में झड़प होता है जिसकी वजह से यान गिर जाती है नीचे। यान सर को बोलती सर ये मैं पेन है नीचे गिर गया था मैं ये उठा रही थी। जिया उन दोनों का नोक झोंक देखकर बहुत ही ज्यादा जलस हो रही थी। दूसरी तरफ वो कैंटीन में मजे से खा रही थी, तभी वहाँ पे यान आ जाता। यान टिश्यू पेपर लेकर उसका मुंह पोंछने जाता है, तभी वो बोलती मैं खुद से पोंछ लूंगा, लेकर पोंछ लेती है। यान बोलते कि तुम्हें आजकल क्या हो गया है, तुम मेरा कॉल का भी जवाब नहीं देती हो, मेरे से दूर भागने लगी हो, तुम्हारा तबीयत ऊपर ठीक नहीं है। वो बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें देख नहीं पाई थी, वैसे भी मैं क्लास के लिए लेट हो गई थी, वैसे भी मेरा सेलफोन खराब हो गया। इतना झूठ बोली जा रही थी क्या बोले। यान बोलता है कोई बात नहीं कल ऐसे भी क्लास है तो हम लोग साथ में चलेंगे लाइब्रेरी और साथ में पढ़ेंगे। तो यान बोलती नहीं 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 ऐसा कोई बात नहीं मुझे बहुत सारे काम है। फिर से कुछ ना कुछ बहाना मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मुझे और सिवान को, बोलती तो मेरी कजन की गर्लफ्रेंड है ना, फिर दूसरे लड़के के साथ क्यों है। फिर सिवान उन दोनों के पास जाती है, बोलती तुम तो मेरी ब्रदर की गर्लफ्रेंड हो ना, फिर वो चुप चुप कराती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं लव और मुझे साथ में खा रहे थे, तो मुझे बोलते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना किसी और के साथ, तो लव बोलते कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बोलते कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सिवान उसका नाम लव बोल रही थी, जो उसका एक्चुअली नाम यान है। वो बोलता है कि इसका नाम लुया नहीं इसका नाम या है। वहाँ से बहाना बनाकर बोलती है कि मुझे काम है मैं तुम्हें कल लाइब्रेरी में मिलूंगी, और सिवान को लेकर वहाँ से जल्दी से खिसक जाती है। फिर वो सिवान को लेकर जा रही थी तो सिवान अपना हाथ छलकती है और बोलती कि तुम मुझे टान के क्यों ले जा रही, अब वो लड़का तुम्हें यू क्यों बुला रहा। बोलती कि लंबा कहानी मैं बाद में बताऊंगी। फिर भी सिवान उसको रोकती है, तो इस कॉलेज में सभी लड़की उसके ऊपर मरती है ना, इसलिए हम दोनों ये बात छुपा कर रखते हैं कि हम दोनों रिलेशन में है। वो सिवान भी एक नाम की ढक्कन थी, वो बोलती ओ ये बात है, उसके बातों में इजिली चली आती है। फिर हमें लाओ और मुझे को दिखाया जाता है, जो मुझे बोलता ओ तुम लोग के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है, एज यूजुअल तुमने आंटी को दिखाने के लिए ऐसा किया था ना। लाओ बोलते एकदम सही। फिर मुझे बोलते इसका मतलब तुम उसको लाइक नहीं करते हो, तो लाओ बोलता है बिल्कुल भी नहीं। फिर मुझे बोलते तुम उसको छोड़ दिए ऐसे कैसे कर सकते हो। फिर उसको लंबा चौड़ा भाषण देके वहां से चले जाता है। फिर मुझे सिवान के पास आता, अब बोलता है कि यू ने तुम्हें क्या बोला, तो सिवान बोलती है कि उन लोगों का सीक्रेट रोमांस चल रहा है, ये सब कहानी लंबा चौड़ा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और सिवान थोड़ा सोचने लगती है वो कैंटीन वाला कौन था, वो अपने सिस्टर इन लॉ को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन में थी।
तरफ हम यू को देखते हैं जो चलती रहती है और बोलती कि मैं लाइफ बहुत टायरिंग है। तभी वो मैसेज करती यान को कि हम लोग नहीं मिल सकते क्योंकि मुझे काम है। फिर हम देखते हैं यू एक सुपरमार्केट में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर लाव आ जाता और बोलता तुम्हें किसने बोल दिया सीक्रेट रिलेशनशिप हम लोग का चल रहा है। वो बोलती कि तो हम लोग डिसाइड किए थे कि हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। अब वैसे भी तुम्हारी कजन सिस्टर आके मुझसे पूछने लगी। मैं क्या बोलती, मेरे पास कोई और बहाना नहीं था। क्या बोलती कि मैं तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड हूँ। फिर लाओ यू को तीन बात बोलता है। पहला कि तुम कभी भी मेरे बारे में नहीं जानोगे और दूसरा तुम कभी भी हम लोग के बीच का बात नहीं बताओगे और तीसरा तुम किसी के बारे में मेरे बारे में नहीं पूछ सकती हो। यू बोलती हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा कोई कॉन्टेक्ट में रहूंगी, मैं तुमसे कोई मतलब ही नहीं रखूंगी। फिर लाओ बोलते हैं तुम चाकू के साथ क्या कर रही हो, बहुत डेंजरस है, तुम्हें पता नहीं है। वो नाइफ उसे रखवा देता है। फिर वहाँ पे एक कस्टमर आ जाता है, पूछता है कि ये फिश बहुत फ्रेश है क्या। तभी युग का दिमाग घूमता है, वो लाओ को फिश टेस्ट करने के लिए बोलता है। वो खा भी लेता है बेचारा, बोलता है कि ये फ्रेश है, बहुत फ्रेश है। फिर वो कस्टमर को भी दे देती है। हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू बोलती है यान को ये ऊपर वाला सेल्फ में रखा जाएगा। फिर यान बोलता है कि तुम तो पहले ऐसे नहीं थी, तुम्हें तो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम लगता था। फिर यू बोलती है कि मैं एक सोशल। फिर यू बहाना मारती है और बोलती है क्या मैं जॉब कर सकती हूँ लाइब्रेरी में, पार्ट टाइम जॉब। यान बोलती है तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो चलते हैं। वो अप्लाई करती है और उसे जॉब भी मिल जाती है। दोनों साथ में मिलकर काम करने लगते हैं। तभी एक बुक यू के पैर पे गिर जाती है जिसकी वजह से उसको चोट लग जाती है। जल्दी से उसके पास जाता है, बोलता है तुम क्या ठीक हो ना। यू बोलती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। यान बोलते है क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है। तभी उसी वक्त लाओ और जिया और उसके कुछ फ्रेंड लोग एंटर करते हैं लाइब्रेरी में। लाओ यान को एक बुक लाने के लिए बोलता है। फिर लाओ बोलता है कि मुझे एक असिस्टेंट का जरूरत है और फिर यू को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। और यू वहाँ के रूल को बताने लगती है। यू एक बुक लेता, बोलता है कि ये बुक यहाँ पे क्यों, इसका तो ये पोजीशन नहीं है। उसे एक बुक निकालने के लिए बोलती है। जब वो बुक निकालता है तो उसे देने को बोलती है। यू से बुक लेने लगता है और दोनों के बीच में झड़प हो जाता है। वहाँ पे एक रोमांटिक सा सीन देखने को मिलता है। तभी उसी वक्त यू को कॉल आ जाता है। उसकी फ्रेंड उसको कॉल की थी क्लास के लिए, वो वहाँ से जल्दी से निकलती है। वो क्लास चालू था तो छिप छिपाते हुए वो क्लास के अंदर एंट्री करती है, लेकिन एक्चुअली उसकी टीचर देख ली थी। वो उसको उठाती है और सवाल पूछती है। वो बहुत अच्छी तरीके से आंसर भी दे देती है। उसकी टीचर उससे इम्प्रेस हो जाती है और सीट पर बैठने के लिए बोलती है। और टीचर बोलती है नेक्स्ट टाइम से क्लास का याद रखना और टाइम पर आना। और वो क्लास अटेंड करने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सिवान और लॉ की मम्मी, और वो लोग कोई गेम खेल रहे थे। सिवान आंटी को बोलती, उसकी मम्मी बोलती उसने फेक नाम यूज किया था और वो उतना माइंड नहीं करती है। सिवान बोलती कि सेकंड टॉपर है, पर मेरा कजिन फर्स्ट टॉपर है। फिर वो दोनों बहुत सारे बातें करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मुझे और लॉ गेम खेलते रहते हैं मोबाइल फोन पे। गेम के बीच में लॉ की मम्मी का कॉल आ जाता है और डायरेक्टली बोलती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नेक्स्ट वीक डिनर पर लेकर आ रहे हो। और कुछ नहीं सुनती है, फोन कट कर देती है। और लॉ के पास तो कुछ ऑप्शन था नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यू अपनी फ्रेंड के पास आई थी, बहुत ज्यादा थकी हुई थी और वो अपना पूरा रूटीन फ्रेंड को बता ही रही थी। तभी लॉ का कॉल आ जाता है, सब बताता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें बुलाया है, वो इतना ध्यान नहीं देती है। इसके बाद हम देखते हैं, फिर हम यू को देखते हैं क्यूट सा ड्रेस पहनकर आइसक्रीम का प्लान प्लेट बांट रही थी। स्कर्ट के पीछे एक छोटा सा टेल था, एक बच्चा कब से देखे जा रहा था। लॉ भी देख रहा था, सोच रहा था कि लड़की को मैं हमेशा न्यू गेटअप में ही देखता हूँ। और बच्चा बार बार उसी को देख रहा था, फिर उसको टालने का भी कोशिश कर रहा था। जो उसकी तरफ देखती है तो बच्चा बहुत क्यूट रहता है। फिर उसकी मम्मी आती है, उसको सॉरी बोलकर उसको वहाँ से लेके चली जाती है। लव ये सब देखकर हंसता है, फिर आता है उसका पोनी पकड़ के टांगता है और उसको अपने साथ जाने को भी बोलता है डिनर के लिए। मना कर रही थी, बार बार वो बोल रहा था पर वो मना कर रही थी। इसी झड़क में यू के वजह से लव का शर्ट फट जाता है और इस रहती है। वो एक ड्रेस को दिखाते हुए वो ड्रेस को ट्राई करने के लिए बोलती है, पर लव बोलता है कि मैं नहीं करूंगा। तो वो बोलती है तुम इस कपड़े में वैसे भी बहुत बेकार दिखने वाले हो, और जब देखो तुम हमेशा एक ही ड्रेस पहने रहते हो। और जब लाओ वही ड्रेस पहन कर निकलता है तो हमारी फीमेल लीड यान तो उसको देखती रह जाती है और भी सारे ड्रेस उसको देती है ट्राई करने के लिए। सभी ड्रेस वो ट्राई करके आता है तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था सारा ही ड्रेस में। यान का तो पूरा मुंह ही खुला रह जाता है, पर लाओ बोलते है मुझे वही ड्रेस चाहिए पुराना वाला। फिर उसी दुकान की एक स्टाफ सेम ड्रेस लेकर आती है
और वो लॉ को देती है। जब यान उसका पे करने जाती है तो उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। वो लॉ को मस्का लगाने लगती है कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, तुम पे ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जब तक वो सिंपल ही पहनते, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो लॉ बोलता है क्या हुआ, तो उसके कान पर जाकर बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। फिर वो स्टाफ से एक पिन मांगने जाती है जो पिन नहीं मिलता है, पर उसे एक ब्रॉन्ज क्यूट वाला ब्रॉन्ज मिल जाता है। ब्रॉन्ज जाकर लॉ के शर्ट में लगा देती है। लॉ का तो हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है, ये देखकर तो उसको बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा था मन ही मन में। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम रात का सीन देखते हैं, हमारी फीमेल लीड यान उसे एक टी शर्ट दिखाती है। तो लॉ बोलता है कि मैं ये सब ट्राई नहीं करने वाला हूँ। तो यान बोलती है कि अच्छा तुम सिर्फ ब्रांडेड कपड़े में ही अच्छे दिख, लोकल कपड़े में क्या तुम अच्छे नहीं दिखोगे। वो बहुत ज्यादा उसको सुनाती है तो गुस्सा हो जाता है और वो टी शर्ट ट्राई करके आता है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसको टीज करती है, फिर बोलती नहीं तुम अच्छे लग रहे हो। वहाँ पे शॉप की ऑनर आ जाती है और बोलती तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है इस टी शर्ट में। दोनों एक साथ बोलते कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बोलती कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर यान का दिमाग घूमता है और पूछती है ऑनर से कि आपको मॉडल के साथ असिस्टेंट चाहिए, तो ऑनर बोलती कि मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगी। वो बोलती तब तो डील रहा। क्या बोलते कि तुम्हें कितने परमिशन दे दिया मेरे लिए डिसीजन लेने का। बोलते चलो इस बार लाइफ को तुम्हें मजे करना सिखाती हूँ। ये दोनों कपल की तरह टी शर्ट बेचने लगते हैं। फिर यान डांस करना स्टार्ट कर देती है। जब वो लॉ को बोलती है डांस करने के लिए तो उसको बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील हो रहा था, फिर भी वो ट्राई करता है करने का। एक्सीडेंटली यान लॉ के बाहों में गिर जाती है। तो जितने भी कस्टमर रहते हैं बहुत ज्यादा शोर करने लगते हैं और बहुत ज्यादा वहाँ पर भीड़ भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसका टी शर्ट बहुत ज्यादा बिकता है। फिर दोनों एक शॉप पे जाते हैं। शॉप का ऑनर बोलता है तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ना, तो बोलते नहीं नहीं हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। तो शॉप ऑनर बोलता अभी नहीं हो पर बाद में हो जाओगे। वो लोग साथ जा रहे थे तब लॉ पूछता तुम कौन सी हो, तुम स्कूल में डिफरेंट लुक में रहती हो, तुम और जगह डिफरेंट लुक में रहती हो, तुम एक्चुअली हो क्या। और बोलती और वैसे भी लड़की का डिफरेंट डिफरेंट फेस होता है और सबका एक सीक्रेट भी होता है जो कि तुम्हारा है और मुझे का है। तो बोलती क्या बकवास कर रही हो तुम। आप बोलते हैं कि किसी और का सीक्रेट नहीं, बस तुम्हारा सीक्रेट है। तो फोटोशॉप में बहुत सारा फोटो क्लिक करवाते हैं। जब वो लोग जा रहे थे तो यान लॉ को फोटो देती है, फटाक से लेता है पॉकेट में डाल देता है। फिर आप बोलते हैं कि बहुत लेट हो गया, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। वो बोलती कोई बात नहीं मैं चली जाऊंगी और बस लेकर वो चली जाती है। फिर देखते यान बस ने फोटो को देखकर खुश हो रही थी और लॉ उसको देखकर खुश हो रहा था। फिर वो जा रही थी तो यान से धक्का लग जाता है जिसकी वजह से सारा फोटो नीचे गिर जाता है और वो फोटो सब देख लेता है। वो बोलती बहुत रात हो गई आप बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं बहुत ज्यादा अपसेट था उन लोगों को साथ में फोटो देखकर। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं यान उसके पास आया हुआ था। वो बोलती कि क्लास नहीं आज तुम्हारा, किसी ने मुझे कहा है कि लड़की लोग का स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉय बहुत ज्यादा पसंद है। फिर उसे गिफ्ट देता है जो यान ले लेती है। वो सोचती है क्या मुझे प्यार का इजहार तो नहीं कर रहा था। जब वो डब्बा खोलती है तो उसमें लिखा रहता है कि चलो हम लोग साथ में काम करते हैं। फिर बोलती है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, इसका मतलब थोड़ी ना होता है प्यार करना। फिर वो उसे मैसेज करती है कि बहुत अच्छा गिफ्ट है, इसके लिए थैंक यू। देखते हो दोनों फ्रेंड मिलकर हग करते हैं। इसके बाद लॉ का फ्रेंड भी आ जाता है। वो बोलते है कि चलो मुझे इंट्रोड्यूस करा, तुम लॉ के करीब हो ना। तो वो बोलती कि मैं कोई लॉ का फ्रेंड नहीं हूँ, ना मैं उसका कोई करीब हूँ, और पहली बात तुम मेरी फ्रेंड से दूर रहो। फिर बोलते कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते पर मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब बोल के वहाँ से चली जाती है। हम देखते कि लॉ उसके पास आता है, उसको खाना खाने के लिए बोलता है। पहले तो वो मना कर रही थी पर जब लॉ तेज तेज चिल्ला के बोलता है तो बोलती ठीक है मैं जाऊंगी, चिल्लाओ मत। फिर हम देखते हैं लॉ उसे एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोलता है। वो बोलते कि तुम जीए बनने की मेरी प्रिटेंड करोगी, और उसके पास तो कुछ ऑप्शन था नहीं तो मान जाती है। और वो ये भी बोलती कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। एग्रीमेंट पढ़ती है तो बहुत ज्यादा उसके लिए अनफेयर था, तो फिर बोलती कि अनफेयर एग्रीमेंट है। फिर उसके पास तो कुछ ऑप्शन था नहीं, वो साइन कर देती है। जब वो साइन करती है तो लॉ मनी मन में बहुत ज्यादा स्माइल करता है, मतलब उसका अंदर उसके लिए फीलिंग आ रहा था। बूढ़े अंकल की पेंटिंग में जो मिसिंग था उसको बनाती है, सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इवन ये बोलती है कि मुझे पता नहीं था तुम इतना अच्छा पेंटिंग भी करती हो। वहाँ पे लॉ आ जाता, अब बोलते कि तुम्हें पेंटिंग भी आती, मुझे तो नहीं पता था। फिर यान अपना तारीफ में लग जाती कि मैं बहुत परफेक्ट लड़की हूँ, मेरा इतने सारे टैलेंट है। लॉ बोलता है कि हाँ हो गया बस भी करो। फिर शिवान बोलते कि मैं आंटी के पास जा रही हूँ, हम लोग रेस्टोरेंट में मिलेंगे। शिवान जाते जाते उसको धक्का देती है जिसकी वजह से वो उसको ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से लॉ के शर्ट पर रेड कलर का पेंट लग जाता है। जब लॉ उसको बोलता है कि तुम मेरा बस शर्ट ही खराब करती रहती हो, फिर वो उसका शर्ट को एक छोटा सा हार्ट बना देती है। फिर बोलते कि तुम जब देखो व्हाइटी ड्रेस पहनते हो डिफरेंट कलर में भी तुम हैंडसम दिखोगे, ट्राई तो करो। लॉ अपने हार्ट पे हाथ रखता, उसका हार्ट बीट बहुत तेज था। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। लॉ की माँ लॉ को बोलती है तुम बस खाए जा रहे हो, कम से कम तुम उसको भी तो खिलाओ। वो उसको खिलाता। जब लॉ की माँ बोलती है क्यों नहीं तुम लोग इंगेजमेंट कर लेते हो, तो उसको तो खांसी ही आने लगती है।
फिर लव बोलता है कि माँ हम लोग ने इसके बारे में सोचे हैं। फिर वो लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं। जान उसका वेट कर रहा था, जब ये आती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। ये को बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा था। जान उसको अपना लव का इजहार करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर वो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर जान खड़ा होकर सोचता है कि वेकेशन से पहले तो ये ठीक थी, पर वेकेशन के बाद इतनी चेंज कैसे हो गई है। जब उसे फर्स्ट टाइम वो मिला था तब उसके बारे में सोचता है, बोलते नहीं नहीं मैं गलत सोच रहा, वो चेंज नहीं हुई है। इसके बाद हम देखते हैं लव वाला टी शर्ट देखकर अपने इसके बाद हम लव को देखते हैं जो बैठा हुआ रहता है, वो टी शर्ट का हार्ट को देखता है, आज वाला अपने शर्ट को हार्ट को देखकर वो बहुत ज्यादा मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। तभी वहाँ पे मुझे आ जाता है, बोलता तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो। फिर मुझे से पानी गिर जाता है तो वही टी शर्ट से उसको पोंछ ले जाता है। तभी लव उसके हाथ से वो टी शर्ट छीन लेता है। तो मुझे बोलते मुझे पता नहीं था कि इतनी चीफ तुम हरी चीज हो सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग क्लास में बैठे रहते हैं, पेपर से बातें कर रहे थे। फिर लव उसे पूछता है कि माँ ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहती है। तो वो बोलती कि मैं कल फ्री नहीं हूँ। तो फिर उसका सर टच करके देखता है कि तुम कहीं फीवर तो नहीं है, तो बोलते नहीं नहीं है। फिर यान को और यू को हम देखते हैं जो अम्यूजमेंट पार्क आई हुई रहती है, वो एक्चुअली उसको मैसेज करके बुलाया था कि उसका आज बर्थडे है। इसके बाद याओ को देखते हैं जो मुझे उसका पीछा कर रहा था, तो बोलती तुम्हें पीछा क्यों कर रहा हो। फिर मुझे डायरेक्टली उसको कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर यू बोलती कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं लव जब यान को कॉल कर रहा था उसका पावर स्विच ऑफ बता रहा था। फिर लव को तो टेंशन होता है, वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते फिर ये के पैर पे पानी गिर जाता है और यार उसको साफ करने लगता है। वो उसके पैर पे स्कार नहीं देख, वो ये बोलता है कि आज मेरा बर्थडे नहीं है, और वो ये बोलता है कि ये कभी नहीं भूलती है मैं बर्थडे, और ये को रोलर कोस्टर पे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब बताओ तुम कौन हो, तुम ये नहीं हो। फिर ये यान को हॉस्पिटल लेके जाती है जहाँ पे उसकी सिस्टर थी जो रियल में ये रहती है उसकी सिस्टर, अब वो उसको देखता है। हम देखते हैं ये अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, बोलती है कि मैं रोड क्रॉस कर लिया है, तुम कहाँ हो। भी उसकी सिस्टर को एक्सीडेंट हो जाता और ये सब बात यान को बता रही थी वो। इसका रियल नाम वे है। इसके बाद हम देखते हैं यान यह का हाथ पकड़ा रहता है, बोलता है कि मैं सपने में बहुत बार सोचा था कि तुम्हारा हाथ पकड़ा हूँ, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था और रो रहा था। बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम देखते हैं मुझे एक फ्लावर लिया रहता है। जब यह घर से बाहर निकलती है तो मुझे उसको फ्लावर देता है, तो बोलती कि मैं कितने बार बताऊँ मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यान को देखते हैं जो ये का ख्याल रख रहा था। यान बोल रहा था कि जब तुम उठोगी तो हम लोग साथ में लाइब्रेरी जाएंगे और हमेशा साथ में रहेंगे। तो वहाँ पे वे आती रहती है, तो नर्स बोलती है कि एक मेडिसिन है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, पर तुम्हारी सिस्टर जल्दी ठीक हो सकती है। उसी तरह हम देखते हैं लव जो वेवेन को कॉल करता है तो उसका कॉल नहीं लग रहा था, और इधर वेवेन और यान आ रहे थे साथ में और बातें कर रहे थे। तभी मुझे लव को दिखाते देखो दोनों साथ में, जिसे लव देखकर बहुत ज्यादा जलस फील करता है और वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लव जब घर में रहता है तो उसका वेवेन का कॉल आ रहा था, पर वो कॉल नहीं पिकअप करता है। वेवेन के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, उसको पैसा ट्रांसफर की हुई थी। वेवेन अपनी फ्रेंड को बोलती तुमने मुझे इतने पैसे क्यों ट्रांसफर किए, आज ऑनलाइन शॉपिंग बहुत अच्छा हुआ था इसलिए बहुत सारा पैसा मैंने कमाया, इसलिए मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिया, पर बाद में तुम मुझे पक्का दे देना ओके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किसी का प्रैक्टिस चल रहा था, तभी वेवेन लव के पास आ जाती है। और तुमने कल क्यों नहीं फोन पिकअप किया, मैं तुम्हें यही बताने के लिए कल फोन की थी। वेवेन लव बोलती कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। अब हम देखते हो फ्लैशबैक में याद कर रहा था जब वेवेन यान को बोल रहा थी कि बहुत ज्यादा एरोगेंट घमंडी है। फिर वेवेन बोलती कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, अब बोलता कि हाँ मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो वेवेन बोलती तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो, अब बोलते कि तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो एरोगेंट हो। फिर वेवेन बोलती क्या मैं तो कि मैंने किसी को बोला था, सोचते कि तो बहुत ज्यादा गुस्सा है, पता नहीं सब लड़की इससे क्यों मरती है। वो लोग फ्लावर का चेकिंग कर रहे थे तभी मधुमक्खी बीच में आ जाती है और वो दोनों को एक्सीडेंटली किस हो जाता है। तब दो लड़की मिलकर उन लोगों का फोटो क्लिक कर लेती है और वेवेन वहाँ से भाग जाती है और लव अपना लिप पकड़ा हुआ रहता है। वेन जो वेवेन जा रही थी तो सभी लोग उसके बारे में बातें बना रहे थे, अपना फोन में पिक देखती है, इसके बारे में रूमर्स फैला हुआ है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती और दूसरी तरफ लव ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था और वेवेन उसको चीयर कर रही थी। जब यान प्रैक्टिस कर रहा था फुटबॉल तभी वहाँ पे लव आ जाता है, वो अपने साथ खेलने को ऑफर करता है। तभी गेम का स्टार्टिंग होता है, उन दोनों का बीच में मैच हो रहा था और लव बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था और सारी लड़की लोग लव के तो पीछे पागल ही थी। लेकिन वेन यान को ही चीयर किए जा रहे थे, ये देखकर लव को बहुत ज्यादा जलस फील हो रहा था। तभी सिवैन वैन को लेकर जाती और बोलती है कि तुम मेरे ब्रदर को चीयर क्यों नहीं कर रही हो,
तुम दूसरे लड़की को चीयर कर रही हो। सिवान बोलती है कि तुम मेरे ब्रदर को चीट कर रही हो, तो वे इनके पास तो कुछ ऑप्शन था नहीं, वो सारा बात बता देती है। मैच खत्म होने के बाद जिया जब पानी लेके आती लॉ के लिए, लॉ उसका पानी नहीं लेता है और मुझे से पानी का बॉटल छीन कर वो पीने लगता है। फिर सिवान आती है लॉ से पूछती है कि तुम दोनों को जो चल रहा है बीच में सब फेक है ना, तो लॉ बोलता है कि प्लीज मॉम को मत बताना इसके बारे में। फिर हम देखते हैं लॉ डायरेक्टली वेन वेन के पास चला जाता है और लॉ बोलता है कि तुम हम लोगों के एग्रीमेंट भूल गई हो, तुम अनदर लड़के के क्लोज कैसे जा सकती हो। तभी वेमन बोलती है कि ये एग्रीमेंट है ना कि मैं तुम्हारे फैमिली के सामने ही तुम्हारा जीए प्रिटेंड करूंगी। तभी लॉ बोलता है तुमने सिवान को सब सच्चाई क्यों बताई। फिर वेमन बोलती है कि मैं इतना सारा झूठ नहीं बोल पाई इसलिए मैंने उसे सच्चाई बता दी। लॉ बोलता है इसलिए तुम की ना क्योंकि तुम अनदर लड़के से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। तो वेमन बोलती है तुम्हारा मतलब मैं किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं कर सकती हूँ। बोलता है हाँ तुम नहीं कर सकती हो। और वो ये भी बोलती है कि सिवान ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम्हारी मॉम को नहीं बोलेगी इसलिए टेंशन मत लो। तभी सामने से जिया आती है बोलती है कि ये टाइम सेलिब्रेट करने का नहीं है। फिर वो लॉ के पास जाती है बोलती है कि ये जो रूमर्स फैल रहा था वो अब क्लियर हो चुका है। फिर हम देखते हैं वेन वेन और लॉ क्लास में जाते हैं, वो तो एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। जब लाइब्रेरी में लॉ वेन वेन को बुक रिटर्न करने गया था तभी वो बात नहीं किया था उससे। इसके बाद हम देखते हैं लॉ कमर पे एक फाइल छिपा रहा था, तभी वहाँ पे वेन वेन आती है तो उसे पकड़ लेता है। फिर वेन वेन बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो लॉ बोलते है क्या तुम मेरे घर पे रह सकती हो। फिर वेमन बोलती तुम ये क्या बोल रहे हो। तब लॉ बोलता है ज्यादा मत सोचो मुझे बस एक हाउस कीपर चाहिए। नहीं तो वेमन उसको मना करती है, पर जब उसको अच्छा खासा रकम ऑफर करता है तो वो मान जाती है। फिर वो जो कमर में पेपर छुपाया हुआ था वो दिखाता, बोलते कि एक एग्रीमेंट है। तब वेमन बोलती मेरा एक कंडीशन है, तुम किसी को बताओगे तो नहीं कि मैं तुम्हारी जीए बनने का नाटक कर रही हूं और तुम्हारी हाउस कीपर भी हूं। तो बोलता मैं नहीं बताऊंगा। हम लोग रात को देखते हैं जो वेमन लॉ के घर मूव करने के लिए आ गई थी, वो बेल बजाने जाती है तब वो सोचती है अपनी फ्रेंड की बात है कि कोई भी लड़का अपना डिजायर को कंट्रोल नहीं रखता है और तुमसे जरूर फ्लर्ट करेगा, इसलिए उसको स्प्रे दी थी। वो पहले अपने हाथ में स्प्रे ले लेती है, तब बेल बजाती है और सोचती है अगर मेरे साथ को फ्लर्टिंग करेगा तो मैं स्प्रे कर दूंगी इसके ऊपर। वो अंदर जाती थी सोचती ऐसा तो कुछ वो नहीं कर रहा है। फिर ना उसको लंबा चौड़ा लिस्ट देता है, बोलता है कि हाउस कीपिंग का रूल है और तुम ये सब याद कर लेना, बोलता है कि फॉलो भी करना है। हमारी हीरोइन वेन वेन काम करना चालू कर देती है हाउस कीपिंग। जो वेनमेन शर्ट को ऊपर उतार रही थी तो बहुत ज्यादा ऊंचा था, वो बार बार गिर जा रही थी। अल्लाह ये देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रहा था, सोच रहा था सचमुच ये पूरी पागल है। अल्लाह उसके पास आता है, बोलता है क्या हुआ और रिमोट से वो शर्ट का नीचे ला देता है। तभी वेनमेन बोलती मुझे नहीं पता था कि ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वेनमेन जब शावर ले रही थी तो चिल्लाती कि पानी ठंडा क्यों है। अल्लाह सुनता है फिर वो इग्नोर करके काम करने लगता है, बोलती कि अचानक से इतना गर्म क्यों हो गया पानी। तभी अल्लाह वहां पे पहुंच जाता है, वो बंद कर देता है, बोलता है कि हीटर खराब हो गया है। फिर वेन वेन इसे बाहर निकाल देती है। जब वेन वेन बाहर जाती है पानी पीते हुए तो वहाँ पर लॉ को देख जो अपना टी शर्ट खोल रहा था, वो तो उसको देखकर उसका पानी गले से नीचे ही नहीं उतर रहा था। तभी वैन पूछती है तुम्हें कुछ चाहिए, तो ला बोलता नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब वो जा रही थी तभी उसको ऊपर गिर जाती है, गलती से स्प्रे हो जाता है लॉ के ऊपर। वेन वेन जल्दी से जाते उसकी आंख को धोती है, उसका आंख बहुत ज्यादा रेड हो गया था। लॉ बोलते कि तुम ये स्प्रे लेकर आई हो ना। वेन बोलती है ओ ओ हाँ मैं ही लाई हूँ, बहुत ज्यादा उससे माफी मांगती है, बोलती कि मैं आई ड्रॉप देती हूँ तुम अपने आंख में डाल लेना, तो वो मना करके वहाँ से चला जाता है। क्या हम देखते हैं लॉ और मुझे साथ में बैडमिंटन खेलते रहते हैं। जब वो वापस आता है टावल से मुंह पोछने के लिए तो बहुत सारी लड़की वहाँ पे खड़ी थी, वो लड़की उसको टावल देती है पर वो नहीं लेता है, वो अपना टावल निकालता है जो पिंक था। इसके बाद हम देखते हैं वेन वेन सुपर मार्केट में काम कर रही थी, तभी वहाँ पे लॉ आ जाता है। लॉ उस पर गुस्सा करता है, बोलता है तुम्हारा सामान मेरा सामान मिक्स नहीं होना चाहिए, ये हाउस का रूल है। वो भी अपना टर्म एंड कंडीशन उसको देती है, वो भी मान जाता है। जब वेन वेन खाना लेकर अपने सिस्टर के लिए जा रही थी तो लॉ उससे वो टिफिन वाला खाना मांगता है, पर वो बोलती है कि एक पेशेंट के लिए है, तो लॉ उसको जाने देना नहीं चाहता था, तो वो अपना शू पॉलिश करने के लिए बोलता है। तभी वेन वेन को दिमाग में कुछ आइडिया आता है, वो शू पॉलिश उसके ऊपर लगा देती है और उसको अच्छे से उसको लगा कर बोलती है सॉरी 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 सॉरी। जब लॉ नहाने चला जाता है तो वो गर्म पानी वाला ये बंद कर देती है, जिसकी वजह से लॉ चिल्लाने लगता है और वेन वेन वहाँ से चली जाती है। वेन वेन जो हमारी फीमेल लीड रहती है वो अपने सिस्टर के पास वो सूप लेकर आई होती है और कहती है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। तभी वहाँ पे यन आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारा दिन कैसा था, तो बोलती अच्छा ही था। और यन ये भी बताता है कि तुम्हारा और लाला का बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं, मैंने ये भी सुना है कि तुम उसके घर पे रहती हो। तो वेन वेन बोलती है हाँ अपना आइडेंटिटी छुपाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और बोलती कि तुम्हें यहाँ रोज आने का तुम्हारे बहुत सारे क्लासेस भी तो होते हैं ना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉ वेन वेन का वेट कर रहा था जो काफी देर हो गई थी। जब वेन वेन घर का डोर खोलती है तो समझ जाता है कि वेन वेन आ गई है, वो जल्दी से अपने रूम में जाता है और सो जाता है।
ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो बीमार है। जब वेनमेन घर आती है थर्मामीटर में देखती है तो बोलती तुम्हें तो बहुत तेज फीवर है। लाला बोलते सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने गर्म पानी का गीजर बंद कर दिया था जिससे मुझे ठंडा पानी से नहाना पड़ा जिससे मुझे फीवर हो गया है। तो वेनमेन बोलती मुझे पता नहीं था तुम्हें शावर लेने के बाद तुम्हें इतना फीवर हो जाएगा। अब वेनमेन बोलती कि मुझे पता है ना तुम इतने कमजोर हो। फिर वो बोलते कि ठीक है तुम मेरे बॉस हो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है। फिर उसके लिए सूप बनाने जाती है। जब सूप बना कर लाती है वो पीता है, वो इतना तारीफ नहीं करता है। जब वो सूप पी रहा था तभी वेनमेन देखती है उसके नोज से ब्लड गिर रहा था, फिर उसका अच्छे से ध्यान रखती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब ला उठता है तो उसको इतना अच्छा खुशबू आता है। फिर वो जाता है तब देखता है वेनमेन उसके लिए सूप बनाई थी। जब वो सूप पीता है तो पूछता है सूप का टेस्ट कैसा है, तो ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। तभी वेनमेन अपना QR कोड देती है, बोलती है कल के लिए पे करने के लिए, तो लाला भी पे कर देता है। जब वेनमेन जाती रहती है तो वो अपना हेलमेट घर पर ही भूल जाती है। जब लाओ उसे हेलमेट देता है बोलता है सेफ नहीं है बिना हेलमेट को जाना, तो मैं स्कूटी चलाता हूँ। पर वेनमेन उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। फिर लाओ भी उसका पीछा करता है। फिर वेनमेन बोलते कि मैं पूछा क्यों कर रहा, उसे पीछा छुड़ाने के लिए जैसे तैसे स्कूटी चलाती है। उसको स्कूटी तेज चलाने की वजह से उसको पुलिस ऑफिसर पकड़ लेते हैं, फाइन करता है, स्कूटी लेकर जाते हैं। फिर लाला वहाँ पे खड़ा रहता है, उसको पिकअप कर लेता है। जब वो अपना डिलीवरी दे रही थी तो डिलीवरी लेट हो गया था जिसकी वजह से मिल्क शेक ठंडा हो जाता है। लाला खुद कस्टमर को बना कर देता है वो मिल्क शेक। जब वो जाती रहती है तो लाला उसे लंच के लिए पूछता है, पहले तो मना करता है, फिर उसके पास जाती है खाने के लिए। जब वो लंच खा रही थी तो लाला बोलते तुम तो पहले बोलती कि तुम नहीं खाओगी, पर अभी तो ठूस ही जा रही हो। जब वो खाने का बिल पे करता है तो बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे क्यूट क्यूट सा इशारा करती है। यह देखकर लाला का हार्ट बीट फिर से तेज हो जाता है, उसका घड़ी फिर से बजने लगा। इसकी वजह हम देखते हैं लाला मूजे के पास जाता है, तो मूजे बोलते थे वही टी शर्ट है ना, जो कुछ नहीं बोलता। अब उसके लिए गिफ्ट ले रहा था तो बोलते तुम किस लिए गिफ्ट ले रहे हो, वो बोलते मैंने किस किया एक्सीडेंट से ही सही, पर किस तो हुआ है। फिर लाला अपना एक्सीडेंट वाला किस याद करने लगता है। मूजे केक ले रहा था तो लाला बोलता है क्या तुम श्योर हो कि लड़के लोग को ये पसंद आएगा, तो मोजो बोलता है क्यों नहीं जरूर पसंद आएगा। फिर वो केक लेकर चले जाता है। तभी स्टाफ एक केक दिखाती है, बोलते है केक बहुत ज्यादा फेमस है और लड़के लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, तो लाला वो केक ले लेता है। लाला जब केक लेकर जा रहा था जिया और मेमी वहाँ पे खड़ी होकर देख लेती है, बोलती है कि ये लाओ नहीं हो सकता, लाओ कभी टी शर्ट नहीं पहनता है। तो ये लोग बातें करते हैं कि लाला जो टी शर्ट पहना है चीफ नहीं हो सकता, पक्का एक्सपेंसिव होगा। जब वो देखती है तो बहुत ज्यादा चीफ रहता है, वो लोग ये सब देख के चौंक जाती है। और दूसरी तरफ लाला को देखते जो केक फ्रिज में रख रहा था। जब वेनमेन आती है तो लाओ उसे पानी मांगता है। जब वो डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है तो लाओ बोलते है कि मुझे कोल्ड वाटर चाहिए। जैसे वो फ्रिज को खोलती तभी उसको कॉल आता, वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम मूजे को देखते हैं जो याओ के लिए केक लाया था, वो केक नहीं लेती जाने लगती है और वो दोनों केक बचाने के चक्कर में गिरने लगते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। मूजे बोलता है वाह कितना अच्छा बात है। जब वेनमेन वापस आती है तो फ्रिज में केक देती, पूछते केक कौन लाया, तो बोलते मूजे ने खरीदा है। फिर वो केक काटती है फिर लाओ के साथ खाती है। तो ला बोलता है अगले वीक कॉन्टेस्ट आने वाले जिसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना होगा, फिर उसे फाइल देता है। फिर हम लाओ को देखते हैं जो लाइब्रेरी गया था, वहाँ पे वेनवेन और याओ को साथ में पढ़ते हुए देखकर बहुत ज्यादा जलस फील करता है। फिर वो उसके पास जाता, बोलते मैं तुम्हारा वार वेट करूंगा। जब वेनवेन बाहर जाती है फिर उसका पेपर देखता है जो बहुत गलत आंसर लिखी हुई थी, फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाओ वेनवेन को पढ़ा रहा था अच्छी तरीके से। जब वो पढ़ते पढ़ते सो जाती है तो लाओ उसे बेड पर सुलाता और बड़े ही प्यार से उसको देखते रहता है। फिर हम देखते हैं मॉर्निंग में वेनवेन उठती और सोचती कि मैं बेड पे कैसे आई, हो सकता है मुझे लॉ सुला दिया होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेनवेन लॉ का मेजरमेंट ले रही थी। फिर लॉ बोलते कि तुम मेरा कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गई हो, तुम कब से कपड़े डिजाइन करने लगी हो। वो बहाना बनाती है, बोलती मेरी फ्रेंड डिजाइनर क्लास में है। वेनवेन फिर से मेजरमेंट लेने लगती है, मेजरमेंट लेने के चक्कर में वो लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। जब वेनवेन डिलीवरी दे रही थी तब वो सोचे जा रही थी कि मैं किस तरह इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करूं, क्या मैं बीमार होने का नाटक करूं, बस वो वही सोची जा रही थी किस तरह कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ना करे। तभी उसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो सोचती वाह कितना अच्छा हुआ, पर मैं ऐसा तो नहीं सोची थी। इसके बाद फिर हम देखते वेन और यान हॉस्पिटल में रहते हैं। वेनवेन का बैंडेज लगा रही थी एक नर्स, नर्स बोलते ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है बस नॉर्मल सा स्क्रैच है, पर वेनमेन उसको जबरदस्ती बोले जाए कि नहीं मुझे डॉक्टर को दिखाना है। तभी वेनमेन बाहर जा रही थी तो एक आदमी को देखती है बैंडेड हाथ में लगा हुआ, तभी उसका दिमाग का घंटी बस यान को बोलता है बैंडेड करने के लिए, वो बैंडेड पूरा अच्छे से कर लेती है। और दूसरी तरफ हम लॉ को देखते जो बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा लेट हो गया, वेनवेन अभी तक नहीं आई है। तभी लॉ को वेनवेन का मैसेज आता, बोलती कि मैं थोड़ी बीमार हूँ इसलिए मैं अपनी फ्रेंड के घर रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं वेनवेन क्लास में रहती है, अपना हाथ को अच्छे से बैंडेज करके आई थी। तभी मैम देखती है और जियान के पास जाती है, बोलती देखो इसका तो हाथ इंजर्ड है,
तभी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं। तभी टीचर देखते हैं वो वेनवेन बोलती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी कॉम्पिटिशन में। टीचर भी बोलते है कोई बात नहीं तुम रेस्ट करो। उसी वक्त लॉ आ जाता है, बोलते है कि इस कॉम्पिटिशन के लिए मैं जाऊंगा। सभी स्टूडेंट लोग लॉ के लिए चीयर करते हैं, अब बोलते है कि तुम ही जीतोगे। इसके बाद हम देखते हैं वेनवेन लॉ के लिए टी शर्ट लाई थी पर वो छुपा रही थी। तभी लॉ गेट खोलता है, अब बोलते है तुम मेरे लिए क्या छुपा रही हो। तो वेनवेन बोलते तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, जाओ पढ़ाई करो। जब वो जाती रहती तो उसके हाथ से वो टी शर्ट ले लेता है और टी शर्ट देखकर बहुत ज्यादा खुश होता और बोलते कि तुम मेरे लिए डिजाइन की हो ना। जब वेनवेन कपड़े को सेट कर रही थी तभी उसे याद आता है कि उसका स्ट्रेचर से हाथ निकला हुआ है। वो फटक से वो हाथ उसमें ढुकाती है। तब लाला वहाँ पे आता है, बोलता तुम क्या कर रही हो। वो बोलते कि देखो ही मैं कपड़े सेट कर रही हूँ। तो उसके हाथ से ले लेता, खुद कपड़े सेट करने लगता है। फिर लाला उसे बोलता तुम रूम में जाओ रेस्ट करो। जब लॉ और जियांग लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे तभी उन लोग का साथ वेनवेन देख लेती है। वो थोड़ा सा अपसेट भी होती है पर लॉ उसे देख लेता है। जियांग उसे खाना भी ऑफर करती है पर लाला नहीं खाता, वहाँ से चले जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वेनवेन उन ड्रेस को देखती है और बोलती है कि उसका बैड लक है, तुम्हें नहीं खाया तो बहुत टेस्टी बने हो। तभी वहाँ पर सामने से लॉ आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरे लंच बना कर लाई हो। तो वेनवेन बोलती है तुम्हारे पास तो ऑलरेडी खाना है, जियांग ने तुम्हारे लिए बना के जो लाया है। फिर इसके हाथ से वो डब्बा ले लेता है। तो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं जब कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है तो सभी फैन गर्ल परी से टीवी में देख रही थी और वेनवेन भी एक जगह बैठ कर वो भी कॉन्टेस्ट देख रही थी लॉ का। हाँ, वही टी शर्ट पहना हुआ था जो वेनवेन ने उसको गिफ्ट की थी। तो ये कॉम्पिटिशन हमारा हीरो लॉ ही जीत जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग एक क्लब में रहते हैं और वो लोग हमारे हीरोइन वेनवेन को बहुत ज्यादा टीज करती है, उसको बहुत ज्यादा ड्रंक कराकर टूल कर देती है। जब वो जाती रहती है तो उसको जाने नहीं देती है। तभी वहाँ पर हमारा हीरो लॉ आ जाता है, उसे बचा लेता है और उसको लेकर जाता है। सभी को वार्न करता है कि कभी भी वो वेनवेन को बुलिंग नहीं करेगा। फिर लॉ उसे अपने रूम में सुला देता है। फिर वेनवेन उठती है तो किचन देखती है जिसमें उसका और लॉ का साथ देने वाला फोटो था। वहाँ पे लॉ आ जाता है, वो जल्दी से सोने का नाटक करती है। लॉ कुछ ज्यादा ही करीब जाकर उसको लिप्स में किस करने ही वाला होता है, पता नहीं क्या होता है, वो फोरहेड पे किस कर लेता है। कि जाने के बाद जिस दिन उठती है बोलती कि मैं ड्रंक हूं इसलिए मैंने सपना देखा। अब फिर वो सो जाता है। जल्दी से कपड़ा चेंज कर आती है, डिनर पे बैठती है। ला उसे डिनर देता है खाने के लिए और वो यही सोच रहा था कि क्या उसको कल रात वाला बात याद है। और वेनवेन मन में सोच रही थी कि मुझे ऐसा प्रिटेंड करना है कि मुझे कुछ याद नहीं है। फिर वेनवेन उसे कॉम्पिटिशन जीतने के लिए कॉन्ग्रेट्स भी करती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जब लॉ जा रहा था तो वो देखते हैं कि सभी उसी की तरह टी शर्ट पहने हुए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेनवेन अपनी फ्रेंड को बोल रही थी कि टी शर्ट तो बहुत ज्यादा सेल हो गया और ट्रेंड में भी चल रहा है। ये फ्रेंड वेनवेन को बोलती कि तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चक्कर तो चल रहा है। तो वेनवेन बोलती ऐसा कुछ नहीं है, हाँ उसने कंपटीशन में जीत कर मेरी हेल्प की है पर मैं उसे थैंक यू भी तो बोली हूँ ना, और वैसे भी मैं इसके साथ रहूंगी तो बहुत ज्यादा डेंजरस है बिकॉज वैसे भी उसकी इतनी सारी फैन गर्ल है जो मुझ पर ही नजर रखी रहती है। फिर ला बैठा रहता है, फिर अपना मोबाइल में देखता है मैसेज, उसमें कोई पोस्ट किया हुआ था वेनवेन लॉ के पैसे के पीछे पड़ी हुई है और कोई नहीं ग्रुप लीडर मेमे रहती है। फिर मेमे और लॉ के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। लॉ ये भी मैसेज करता है कि लॉ ने वेनवेन को किस किया है। मेमे बोलती है तो एक्सीडेंटली हुआ था ना। फिर वो दोनों में आर्गुमेंट होने लगता, बोलते हाँ वो बोलती है ना, ये चलते रहता है। फिर हम देखते हैं लॉ बोलता है कि बड़ी आर्गुमेंट करने वाली मुझसे। फिर वो सेम टी शर्ट लैपटॉप पे ही देखता है और वहाँ पे एक मक्खी आ जाता है जिससे बहुत ज्यादा डर जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं वेनवेन अपनी उसकी फ्रेंड साथ में बातें कर रही थी। तभी लॉ को कॉल आता है, उसे इमीडिएटली घर बुलाता है। जब वेनवेन घर जाती है तो मधुमक्खी को बाहर निकालती है। वेनवेन उसे मक्खी से बचाती है और उसे बहुत ज्यादा टीज करने लगती है। तभी लॉ उसे पकड़ लेता है, उन्हें कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। जब वो जाती रहती है तो लॉ पूछता है कि तुमने जो मेरे लिए डिजाइन किया था ड्रेस वो सभी लोग क्यों पहने हुए हैं। वो बोलते है कि मेरी फ्रेंड का डिजाइन था। तभी वहाँ पर वेनवेन की फ्रेंड आती है और वो मूजे को कपड़े देती है सेल करने के लिए। अब मूजे भी वो कपड़ा लेके सेल करने लगता है। तभी वहाँ पे तो लड़की आती है, बोलती मूजे तुम ये कपड़ा सेल कर रहे हो, बोलती अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। तो वो लड़की और भी लड़की को बुला कर लाती है उसे कपड़े लेने के लिए। तो मुझे सोचते है कि सचमुच लॉ के पीछे सभी लड़की पागल है। फिर हम देखते है मैमे लॉ के घर के बाहर रहती है। तभी वहाँ पे वेनवेन आ जाती है और वो सोचती कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। फिर उसका फोटो भी ले लेती है वो। फिर हम देखते हैं कि वेनवेन को वो वही वाला फोटो दिखाती है
फिर उन दोनों के बीच में थोड़ा झड़प हो जाता है जिसकी वजह से एक फ्लावर पॉट टूट जाता है। फिर वो लोग टीचर के पास जाते हैं जिस पर टीचर विनविन को बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं कि तुम प्यार मोहब्बत में फंस कर तुम अपना स्टडी पे बहुत ज्यादा नुकसान कर रही हो। फिर वो अपने सिस्टर के पास जाती है, थोड़ी सी अपसेट थी। फिर वो अपने सिस्टर को बोलती है कि मैं तुम्हें जो भी चीज चाहिए मैं सब कुछ करूंगी तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं विनविन लॉ के लिए खाना बना रही थी। फिर वहाँ पे लॉ आ जाता है, वो बोलती है कि तुम्हें ट्राई करो मैं तुम्हारे लिए बनाई हूँ। लॉ पर उसका खाना का बुराई पे बुराई किए जा रहा था। यह सुनकर विनविन बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी। ये भी बोलता है लॉ कि जो चीज तुम मुझे देती हो किसी और को प्लीज मत देना। फिर विनविन बहुत इमोशनल होकर से सॉरी बोलती है। तो लॉ बोलते है तुम्हें आज क्या हुआ है। फिर विनविन बोलती है कि मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ। तो लॉ पूछते है क्या हुआ है बताओ तो। फिर विनविन और लॉ के बीच में थोड़ा मोड़ा आर्गुमेंट होता है। विनविन बोलते है चलो इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करें। फिर लॉ उसको कुछ देर तक देखता है, फिर बोलता है ठीक है तुम चली जाओ। विनविन उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि उसका ध्यान जो रखा था इतना। और फिर वो अपना लवेज लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विनविन बाहर बारिश में बैठी हुई थी। अब वो उसके साथ वाला फोटो देख रही थी और बहुत ज्यादा रोई जा रही थी। जब लॉ उसको पीछे जाता है छाता लेकर, तब तक विनविन वो टैक्सी लेकर निकल चुकी थी। फिर विनविन अपने डोम में आ जाती है। वहाँ पर मिमी से अपने सामान हटाने को कहती है पर वो नहीं हटाती है, तो वो खुद से वो सामान हटा कर उस पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लाला को देखते हैं जो बहुत ज्यादा अकेले बैठा हुआ था सैड। और दूसरी तरफ हम विनविन को देखते हैं जब वो कैंपस में जा रही थी तो सभी लोग बहुत वियर तरीके से इसको देख रहे थे। तभी वहाँ पे यान आ जाता है। वो बोलता है तुम ठीक हो ना, टीचर तुमको बहुत ज्यादा डांटे हैं। विनविन यान को बोलता है तुम मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारा भी इमेज पे इफेक्ट पड़ सकता है। फिर हम लाला को देखते हैं जो QR कोड देखकर वो विनविन को याद करता है और फिर उसने पैसा कुछ ट्रांसफर कर देता है। वो फिर वो सोचता है कि उसको पैसा नहीं मिला है, मुझे कुछ मैसेज नहीं सेंड किया है। फिर तभी वहाँ पे मोजे आ जाता है, बोलता है ये क्या हुआ मैं तुमसे बहुत दिनों तक नहीं मिला। और लाला मोजे से लव के बारे में कुछ पूछने लगता है और लव मुझे को कल रात वाला बात बताता है। तो मुझे बोलते है कोई बात नहीं होता है और फिर उसके साथ झगड़ा खत्म करने को बोलता है। दूसरी तरफ हम विनविन को देखते जो लाइब्रेरी में रहता है, वहाँ पर यान आता है और बोलता है, यान बोलता है तुम हम लोग तो बात करना छोड़ दी अब क्या करेंगे। तो विनविन बोलती है कि इससे भी अच्छा तुम्हारे पास कुछ आइडिया तो तुम बोलो। तो यान बोलता है नहीं मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है। तभी विनविन को मैसेज आता है, वो बोलता है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग है प्लीज अस गार्डन में आकर मिलना। विनविन सोचती है कौन है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं विनविन अपने काम में लगी थी, वो पैम्पलेट बांट रही थी, वो सभी बिक जाती है और विनविन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सारा पैम्पलेट हमारा हीरो लाला खरीद लिया था। तभी वो अपना ऑनर से पैसा मांगती है, ऑनर उसको सुनाता है। तब वो देखती है कि सारा पैम्पलेट लॉ खरीद लिया था, जिसपे वो गुस्सा होकर जाने लगती है। तब लॉ उसको रोकने की कोशिश करता है। तो विनविन बोलते कल रात को ही मैं क्लियर कर दी थी, हम लोग का बीच में कुछ नहीं हो सकता है। वो उसको अपने साथ चलने को बोलता है पर वो नहीं मानती है। फिर लास्ट में लॉ के पास कुछ ऑप्शन था नहीं, उसे उठा लेता है, तो वो कार में बैठाता है। जब उसका सीट बेल्ट लगाता है तो कुछ ज्यादा ही करीब जाने लगता है। लॉ उसको जबरदस्ती लेकर जाता है। विनविन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो नहीं छोड़ता है। तभी लॉ उसको फ्लावर दे के अपना प्यार का इजहार करता है। उसी वक्त विनविन को कॉल आ जाता है और वो बहाना मारकर वहाँ से चली जाती है। ऊपर जाकर वो देखती है बहुत सारे क्रैकर्स रहते हैं और लव पर क्रैकर्स भी जलते हैं। लॉ बहुत ज्यादा सैड होता है, उसके हाथ से बुके नीचे गिर जाता है। और दूसरी तरफ हम विनविन को देखते हैं जो ऊपर खड़ी होकर बोलती है मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू लाला। और बोलते है कि मुझे माफ कर देना मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुमने इमेजिन किया है। वो हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर उसको बताते है कि तुम्हारी सिस्टर अब ठीक हो रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं वो लोग कॉम्पिटिशन रहता है, सब लोग ग्रुप बनाते हैं। जब विनविन यान से बात करती है तो लॉ ये देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। और लास्ट में लाला और विनविन ही स्पोर्ट्स में बचते हैं। विनविन तो सोच रही थी मैं क्या करूंगी, मैं स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। और लॉ विनविन को बचाने के चक्कर में वो गेम से आउट हो जाता है, विनविन बस रहती है और वो लड़का। फिर लास्ट में हमारा हीरोइन ही जीतती है विनविन, और ये कॉम्पिटिशन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जीत चुका था। जब सब लड़की उसको बुली कर रही थी तभी वहाँ पे लॉ आता है, सबको हटाकर उसको गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। पर वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं रहता है तो लॉ खुद से उसका मलहम पट्टी करने लगता है। तभी लाला विनविन का हाथ पकड़ लेता है और ये पूछ रहा था कि तुमने मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया, और उसे किस कर लेता है। तो विनविन बोलती है कौन सा सवाल। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं, डॉक्टर आते उसका बैंडेज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉ
विन विन को लेकर आ रहा था। फिर वो लोग सीट पे बैठते हैं और फिर लव लव उसे पूछता है कि तुमने मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया। लव विन विन से पूछता है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो, तो विन विन बोलता है तुम ऐसा क्यों सोचते हो और हंसने लगती है। तो विन विन उसे बोलती है लव आई लव यू, और लव ये सुनकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। अब विन विन बोलती है कि मैं तुमसे सचमुच बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ पर हम लोग साथ नहीं रह सकते। तो लव बोलता है क्यों नहीं रह सकते हम लोग साथ, तो विन विन बोलती है कि तुम एक हर चीज में परफेक्ट हो, मैं किसी चीज में अच्छी नहीं हूँ, मैं कैसे तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तो ये भी बोलती कि मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई फ्रेम नहीं है, मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। लव बोलता है तुम ऐसा क्यों सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है। लव वहाँ से ये सब सुनकर चले जाता है। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है, वो अपना दुखड़ा अपनी बेस्ट फ्रेंड को सुनाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लालो अपना दुखड़ा अपना बेस्ट फ्रेंड को सुना रहा था मोजे को। मुझे उस पर हंसता है, बोलता है पहले किस किया इसके बाद रिजेक्ट कर दिया, वाह प्रिंस चार्मी को कोई रिजेक्ट कर दिया है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं परफॉर्मेंस का सब प्रिपरेशन कर रहा था। फिर वहाँ के प्रोड्यूसर एक लड़के से पूछता है कि लव कहाँ है, तभी वहाँ पे लव आ जाता है। तभी लव विन विन से जो फर्स्ट टाइम मिला था वो याद करने लगता है। तब प्रोड्यूसर बोलते हैं कहाँ खो गए, फिर बोलता है कि तुम लाइव स्ट्रीमिंग संभालो। तो लव बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ। फिर दूसरी तरफ हम देखते सभी क्लास में रहते हैं। जब क्लास खत्म होता है तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं लव को बड़े स्क्रीन में देखने के लिए, क्योंकि उसका लाइव स्ट्रीमिंग आने वाला था। तभी सबको टीचर रोक लेते हैं और बोलते हैं कल गेस्ट लोग कैंपस घूमने आने वाले हैं, इसीलिए सबको लव एंड लाइफ की थीम्स पर सारा पोस्टर बनाना होगा। और टीचर बोलता है कि यह पोस्टर लालो बनाया हुआ था लेकिन वो लेक्चर के कारण वो नहीं कर पाएगा। तभी विन विन खड़ी होती है, बोलती है सर मैं करूँगी। बोलते तुम अकेले सारा काम कर सकती हो, तो बोलता है यह सर मैं कर लूँगी। फिर हम देखते हैं वो जब पेंटिंग कर रही थी तब बारिश स्टार्ट हो जाता है। वो पेंटिंग को बचाने का बहुत कोशिश करती है, चक्कर में वो जब गिरने वाले रहती है तभी लव आकर उसे बचाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं विन विन हॉस्पिटल में थी, वहाँ उसके सामने यान था। वो अचानक से उठती बोलती मैं यहाँ पर कैसे, फिर उसको याद आता है वो पेंटिंग वाली बात। तो यान बोलता है कि टेंशन मत लो, लालो सब संभाल लिया है, और बताता है कि लाओ तुमको हॉस्पिटल में लाया था और मुझे बोला है तुम्हारा देखभाल करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं यान विन विन को बाइक से लेकर जाता है, उसको पेंटिंग का बहुत ज्यादा टेंशन था। तो वो पेंटिंग देखती है तो बस लाओ को ही बारे में सोची जा रही थी। वो एक दूसरे को देख के स्माइल करते, तभी विन विन लाओ को थैंक यू बोलती है, फिर वहां से चले जाता है। फिर हम देखते हैं मुझे लव को गार्डन में लाया था, वो गार्डन में खड़ा होकर लव विन विन के बारे में सोच रहा था जब उसका किस हुआ था दोनों के बीच में। और लव पूछता कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाया हो, मुझे बोलता है कि मैंने प्लान किया है कि मैं अपना प्यार का इजहार करूंगा अपनी याव को। अब बोलता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो जाने लगता है पर मुझे उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विन विन और उसकी फ्रेंड भी जा रही थी गार्डन में, वो जाती है तो जिस रूम में वो प्रपोज करने वाला था मुझे, उस रूम को बाहर से लॉक कर देती है। एक्चुअली विन विन की फ्रेंड और मुझे का प्लान था कि उन दोनों को मिलवाने का, विन विन को और लव को। फिर हम देखते हैं विन विन की फ्रेंड और मुझे उन लोग को देखे जा रही थी। विन विन लव को देख के बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो लव बोलते ये लास्ट चांस है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो कि नहीं, अगर नहीं चाहती हो तो फ्लावर नहीं लोगी और चाहती हो तो फ्लावर लोगी। विन विन को कुछ बोलने से पहले उसके सामने मधुमक्खी आ जाती है, फ्लावर लेकर उसको मारने लगती है। तो लव को लगता है कि फ्लावर ले ली मतलब उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी है, और बहुत ज्यादा खुश हो जाते, बोलते कि तुम सचमुच मानेगी मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। विन विन बोलती मैं तो बस ये मधुमक्खी को भगा रही थी, वो कुछ नहीं सुनता उसको किस करने लगता है, बोलती कि अब से तुम मेरी हो अब मैं तुम्हारा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते यान विन विन के सिस्टर के पास था, तभी हार्ट बीट तेज होने लगता है, उसका फिंगर हिलता है और वो उठ जाती है, और यह देख कर यान के आंख में आंसू रहता है। फिर हम देखते हैं लव विन विन को कॉल करता है और रात में मिलने को बोलता है, वो बोलता है कि तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैन और यान को, वो दोनों साथ जा रहे थे, तभी लव उसको देख लेता है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि विन विन ने एक्चुअली यान। तभी वो उसकी सिस्टर को देखता है, बोलती है कि विन विन तुम अभी तक घर नहीं गए, और बोलती है कहाँ जाना है, वो अपनी सिस्टर को मैसेज करने लगती है और लव उसका फोन छीन लेता है। थोड़ी देर बाद देखते लव बाहर वेट कर रहा था, तभी वहाँ पर विन विन आ जाती है। जब विन विन लव के सामने आती है तो लव यान को निकलने के लिए बोलता है कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं लव लव सोफा पर बैठा हुआ था, उसे बस पूछे जा रहा था, और विन विन जितना भी कांड की थी सारा उसको बताती है। और लव बोलता है कि तो क्या मैं गलती हूँ, तो विन विन बोलती नहीं तुम एक एक्सीडेंट हो। विन विन ये भी बोलती कि मैं कुछ दिन बाद चली जाऊंगी, तो लव बोलता तुम चली जाओगी मुझे छोड़कर, तुम चली जाओगी तुम मेरे बारे में थोड़ा भी नहीं सोची हो। जब लव उसका पोस्टर को पकड़ता है तब उसके हाथ में चोट लग जाता है, तो विन विन उसका हाथ देखने
जाती है तो वो अपना हाथ छटक देता है। वेनवेन बोलती, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन नहीं की हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें सब कैसे समझाऊंगी। वेनवेन ये भी बोलती कि तुम चाहते हो कि ब्रेकअप करना तो कर सकते हो, तो लाला बोलता चुप रहो। वेनवेन वहां से चली जाती है। लॉ सोफा पर बैठ के उसके साथ बिताया वो रोमांटिक वाला पल याद करता है। फिर लॉ देखता है वेनवेन ने उसके लिए सॉरी लेटर दिया था और उसके लिए टी शर्ट भी दिया था। वो मोमेंट को याद करने लगता है जब वेनवेन ने उसको बताया था कि उससे प्यार करती है। फिर वहाँ पे वेनवेन आ जाती है। एक्चुअली उसको छोड़ कर नहीं गई थी, उसको जो चोट लगा था उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए गई थी। जहाँ पे चोट लगा था उस पर मेडिसिन अप्लाई करती है। जब वो लगा रही थी तो बोलती तुमको दर्द हो रहा है, पर लॉ उसको कोई जवाब नहीं देता है। मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी गुस्सा होती। वो ये भी बताती कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे डर था कि मैं अगर सच्चाई बताऊंगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे। फिर लॉ उस पर गुस्सा करता, बोलता तुम ब्रेकअप के बारे में क्यों बोल रही थी, तुमको ब्रेकअप करना है। वेनवेन बोलती सॉरी, मैं दोबारा ब्रेकअप के बारे में नहीं बोलूंगी। और लॉ ये भी बोलता कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो। फिर हमारे हीरोइन वेनवेन उसको मनाने के लिए एक टी शर्ट देती है। पहले तो वो जाने लगता है, फिर दोबारा जाकर उसे टी शर्ट छीन लेता है और फिर रूम में जाकर बहुत खुश होता है। अब वेनवेन बोलती है मैं तुम्हें मना के रहूंगी। फिर वो मिरर के सामने टी शर्ट अपने आप से लगा कर देखता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। मॉर्निंग में यान और याओ को देखते हैं जो दोनों साथ में थे। यान बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कल छोड़ने नहीं गया था। तो याओ बोलती है कोई बात नहीं, तो मेरी वजह से तुम लोग को बहुत परेशानी हुआ है, मेरी सिस्टर को भी और लॉ को भी। देखते हैं वेनवेन लॉ के लिए बहुत प्यारा सा कुकीज बनाती है, उसका फेस भी थोड़ा सा लग जाता है। जब लॉ आता है तो वेनवेन बोलती कि मैं तुम्हारे लिए कुकीज बनाई हूँ। लॉ उसके पास जाता है और प्यार से उसको फेस पे जो लगा था उसे पोछने लगता है। तभी वेनवेन बोलती ट्राई तो करो। जैसे ही वो उसको किस करने जाता है वेनवेन हट जाती है। वो एक दूसरे को लगाने लगते हैं और फिर बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। फिर लॉ एग्रीमेंट में और भी ऐड करता है। फर्स्ट नंबर रहता है कि तुम कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी, और सेकंड नंबर में रहता है कि तुम मुझसे कभी भी ब्रेकअप के बारे में सोचोगी भी नहीं, और वो नोट डाउन कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेन की बेस्ट फ्रेंड और मुझे दोनों साथ में बाइक को साफ करते हुए बहुत इंजॉय करते हैं। हम देखते हैं जिया लॉ से पूछ रही थी कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। फिर लॉ को वेनवेन का बात याद आता है, जो लोग लास्ट टाइम डिसाइड किए थे वो लोग सीक्रेट ही डेटिंग करेंगे। इधर लॉ बोलते हैं हमने ब्रेकअप कर लिया है। जिया ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं को सिवैन का कॉल आता है और बोलते तुम क्या ब्रेकअप कर लिया हो वेनवेन से। तुरंत बाद वो बोलते हैं हाँ, और वो बोलते कि रूमर्स बहुत ज्यादा फैले हुए हैं कि तुम ब्रेकअप कर लिया हो वेनवेन से। फिर उसका मुझे कॉल आता है, वो भी वही बात बोलता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं मिलने का। वो लोग मिलते हैं, बोलते तुम सचमुच जंप हो गए हो। फिर हम वेनवेन को देखते हैं जो पैम्पलेट बांट रही थी, तभी उसकी फ्रेंड आती है। तो वो देखती है कि कोई वेनवेन को किडनैप करके लेके जा रहा था। फिर वेन की फ्रेंड लॉ को कॉल करती, उसको कार का नंबर बताती, कार का कलर बताती है। लॉ बोलते तुम उसका पीछा करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं किडनैपर कोई और नहीं, एक्चुअली मोजे रहता है। तभी वेनवेन लॉ को कॉल करती है, बोलती कि ऐसे कौन किडनैप करता है, किडनैप करने का थोड़ा भी सेंस नहीं है। फिर मुझे लॉ को एक कैफे में बुलाता है। वहाँ पे लॉ गुस्सा होकर मुझे को बहुत दोहराता है। फिर लॉ मुझे को सब सच्चाई बता देता है। फिर हम न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सीचेन रहता है, जो फैशन कॉम्पिटिशन के बारे में बात कर रहा था। तभी सीचेन उसी कैफे में आया था जिस कैफे में वेनवेन और लॉ थी। जब वेनवेन वॉशरूम जा रही थी तो सीचेन से टकरा जाता। फिर सीचेन और वेनवेन एक दूसरे को देखते बोलते तुम। फिर लाला वेनवेन से पूछता तुम क्या उस आदमी को जानती हो, तो बोलता हाय मैं बचपन का फ्रेंड था, फिर इसका स्कूल ट्रांसफर हो गया तो फिर हम लोग टच भी नहीं थे। फिर हम सीचेन को देखते हैं जो पेंटिंग देख कर बोलता है कि मैं वापस आ गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेनवेन अपनी सिस्टर से बात कर रही थी। उसकी सिस्टर पूछती है कि यान को मैं क्या गिफ्ट दूं, तो वेनवेन बोलती कि तुम जो भी गिफ्ट दोगे उसको पसंद ही आएगा। तभी पीछे से सीचेन आ जाता है वहाँ पे। फिर वहीं पे वो लोग बहुत सारी बातें करने लगते हैं, ओल्ड मेमोरी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। जब वेनवेन सीचेन को प्यार से बाल सहरा रही थी तभी मुझे उन लोगों का फोटो ले लेता है और मुझे लॉ के पास आके वो फोटोज को दिखाता, जिससे बहुत ज्यादा जन भुन जाता है। पर वो मुझे को दिखाता नहीं और फिर उसे घर से बाहर निकाल देता है। फिर वो वेनवेन को मैसेज करके बाहर मिलने को बुलाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते ही वो लोग बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे और लॉ पूछता कि बस तुम दिन भर क्या की। तो वेनवेन बताने लगती कि मैं अपनी सिस्टर से बातें की, फिर मैं सीचेन से बहुत सारी बातें भी की। लॉ को कुछ ज्यादा ही क्लोज जाकर बोलता है तो क्या वो तुम्हारे लिए आया था। वेनवेन बोलती नहीं, वो एक कॉन्सिडेंस था। उसके सामने सीचेन का तारीफ करने लगती है तो लॉ उससे और भी ज्यादा जेलस हो जाता है। जब वेनवेन एक ऊपर से सामान उतार रही थी, वो बहुत ऊंचा था तो उतार नहीं पाती, तभी लॉ आता उसको उतार कर देता है। और उसी वक्त वेनवेन लॉ को बहुत ज्यादा तारीफ करती है। लॉ बोलता टेंशन मत लो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और जैसे ही किस करने जाता है उसी टाइम डोरबेल बजता है,
वो बोलते हैं इग्नोर करो, फिर वो लोग किस करने आते, फिर से वो डोरबेल बजता है, वो एक्चुअली जियान थे। और वेनवेन जल्दी से यहाँ पे छिप जाती है। जब लाला जियांग को ठंडा पानी देता है तो बोलती है मुझे गर्म पानी चाहिए। वो जैसे ही किचन रूम में गर्म पानी लाने जाता है, वो उसका छानबीन चालू हो जाता है। जहाँ वेनवेन छुपी थी वहाँ जियांग जाने ही वाली थी, तभी वहाँ पे लाओ आ जाता है और पूछता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जियांग बहाना बनाने लगती मैं तो बस घूम रही थी, फिर लाओ से जाने को बोल लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान युग दोनों बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वो ये विश ये मांगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी ये वही वाला गिफ्ट निकालता है जो वेनवेन को दिया था, वो एक्सेप्ट कर लेती है उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए। और फिर हम देखते हैं लाला वेनवेन के लिए अपने हाथों से ब्रेसलेट बनाता और फिर रूम को अच्छे तरीके से रोमांटिक वाला डेकोरेट करता है। जिया बहुत ज्यादा ड्रंक कर लेती है और ला को कॉल करके बुलाती है और बोलती है कि मेरा ड्रेस कुछ ज्यादा गीला हो गया है, तो प्लीज कि तुम मुझे क्या अपने कपड़ा दे सकते हो। ला उसे अपने घर लेके जाता और ये भी बताता है कि मैं लास्ट टाइम तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ। जिया वही वाला टी शर्ट पहन लेती है जो वेनवेन ला को दी थी। जब जिया वो टी शर्ट पहन के बाहर निकलती है तो ला उसको एक्सचेंज करने के लिए बोलता है, जिस पर ला बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। फिर जियान बोलती है क्यों ये ड्रेस उसने दी है ना तुम्हें, तो अपना इयर रिंग निकाल कर फेंकने लगती है, बोलती है कि मैं भी उसकी तरह बन जाऊंगी, मैं भी कोई एक्सपेंसिव नहीं पहनूंगी, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। और उसको हग कर लेती है। ला उसे हटाने की कोशिश करता है पर वो नहीं हटती है। फिर जियान बोलती है कि मुझे खत्म करने दो मेरा बात, फिर मैं चली जाऊंगी। तभी वहाँ पे वेनवेन आ जाती है, उन दोनों को साथ में देखकर उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। जब वेनवेन घर आती है तो वो दोनों को साथ में देखती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग उसको हो जाता है। तब जियान बोलती है तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया है ना, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। ला जियान को चुप कराता है और वेनवेन गुस्से में बोलती है हाँ हमारा ब्रेकअप हो गया है। वो अपना बैग लेती है और चली जाती है। लाओ जियान को बोलता है टी शर्ट खोलने के लिए, वो ये डिजर्व नहीं करती है और वो वेनवेन के पीछे चला जाता है। और इधर जियान तो पागल हो जा रही थी। फिर हम देखते हैं लाओ वेनवेन के पास पहुंचता, उससे पहले ही वो टैक्सी लेकर वहां से चली गई थी। वो उसको बहुत सारा कॉल भी करता है पर वो कॉल नहीं उठाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं वेनवेन सावर ले रही थी और ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि लाओ उसके साथ ऐसा किया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग को दिखाया जाता है वेनवेन फाउंडेशन लगा रही थी क्योंकि उसको देर रात तक जगने को और रोने की वजह से डार्क सर्कल्स हो गए थे। तभी उसकी फ्रेंड याओ आ जाती है और पूछती है कि तुम्हें किसी ने बुली किया है। तो वेनवेन बोलती है तुम्हारे रहते कोई मुझे बुली नहीं कर सकता है। तभी सीचेन का कॉल आता है और वो चली जाती है। सीचेन और वेनवेन को साथ में देखते हो दोनों बातें कर रहे थे। तभी सीचेन बोलते है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई जिसे मैं लाइक करता हूं। तो वेनवेन पूछती है वो लड़की कौन है। फिर सीचेन देखते है वो बहुत ज्यादा सैड थी तो उसको वॉक करने के लिए साथ में लेके जाता है। दूसरी तरफ हम लाओ को देखते हैं जिसका दिल टूटा हुआ था। वो वेनवेन को बहुत सारा मैसेज करता है पर उसका एक भी रिप्लाई नहीं करती है वो। तभी उसका घर का डोरबेल बजता है तो उसे लगता है कि वेनवेन आई होगी, वो दौड़ के जाता है। तभी मुझे रहता है, मुझे जब घर का डेकोरेशन देखता है तो बोलता है वाह तुम तो कल बहुत मजे किए हुए थे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। फिर लाला उसको सारा बात बताता है, मुझे सुनकर चौंक जाता है। और दूसरे तरफ सीचेन को और वेनवेन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा साथ में अच्छी तरीके से वक्त बिता रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ला वेनवेन के घर के नीचे आया हुआ था। तभी वो देखता है वेनवेन और सीचेन साथ में आ रहे थे और दोनों बातें भी कर रहे थे। तभी ला वेनवेन को बोलता है तुम मेरा फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही थी, ना मैसेज का जवाब दे रही थी, और तुम किसी और लड़के के साथ क्यों घूम रही हो। फिर वहाँ पे उन लोगों को थोड़ा मेरा आर्गुमेंट होता है, फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें सीचेन और लाला को बीच में थोड़ा सा बहस दिखता है। फिर हम मुझे को और लाला को साथ में देखते हैं जिससे मुझे उसको एडवाइस कर रहा था कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड का जो झगड़ा चल रहा उसको खत्म करो वरना कोई और तुमसे लेके चले जाएगा। फिर हम लाला को देखते जो अपनी मम्मी का घर आया हुआ था, उसकी मम्मी उसको डांटती है और बोलती है तुम हमेशा अकेले क्यों आते हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को साथ क्यों नहीं लेकर आते हो। तो लाला बोलता है कि वो अभी कंपटीशन में बिजी है और उसका हेल्थ एक प्रोफेशनल बंदा कर रहा है। फिर उसकी माँ बोलती है अगर तुम नेक्स्ट टाइम अकेले आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आना। फिर हम देखते हैं वेनवेन की बेस्ट फ्रेंड उसको बोलती है तुम क्या हमेशा लाओ को इग्नोर करते रहोगे। उसका बात को ध्यान नहीं देती है और बोलती है कि मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। जब वो जाती रहती है तो लाओ बाहर वेट कर रहा था, वो उसको रोकता है, वो बोलता है तुम कहाँ जा रही हो, तो बोलता है तुमसे कोई मतलब, मैं अपने काम से जा रही हूँ, वैसे भी मैं अपना फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। तब भी वहाँ पे सीचन आ जाता है और उसको लेकर वहाँ से चले जाता है। अल्लाह भी उनका पीछा करने लगता है। और वेनवेन सीचन के दादी के पास आए हुए थे
फिर हम देखते हैं लाला अभी दादी के पास पहुंच गया था। वो बोलता है कि मैं वेनमैन का बॉयफ्रेंड हूँ। तो सीजन बोलते दादी से भरोसा मत करना, ये वैन को बस गुस्सा दिलाता है। तो दादी बोलती है मुझे तो ये अच्छा लड़का लग रहा है। फिर हम देखते हैं लाव रूम में देखने जा रहा था कि वेनमैन कहाँ गई है। अभी वहाँ पर सीजन आता है, अब बोलता है कि तुम्हें बता कर नहीं गई है कि वेनमैन कहाँ गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेनमैन और दादी एक खेत में काम कर रहे थे, वहीं पर वो दोनों पहुंच जाते हैं। वो पानी से स्लिप खाकर लाल गिर जाता है। ये करता है सीजन, इसके वजह से उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है थोड़ा सा। फिर हम देखते हैं लाला वो दोनों को बोलती है कि तुम दोनों को साथ में सोना होगा। दोनों बहुत बहाना बनाते हैं पर उन लोगों के पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है, मन नहीं पड़ता है। दोनों एक ही चादर के लिए झगड़ने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं सी चैन वेनमैन का पेंटिंग बना रहा था। उन दोनों को साथ में लॉ छुपके से देख रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा था। जब वो लोग वापस आते सी चैन और वेनमैन, तो वेनमैन नोटिस करती है कि लॉ उसके साथ वापस नहीं आया था। तो दादी से पूछती है, तो दादी बोलती नहीं लॉ तो अभी तक नहीं आया है। तो फिर वो उसे खोजने के लिए वापस चली जाती है। तो सीचैन भी उसके साथ चले जाता है लाला को खोजने के लिए। फिर हम देखते हैं वेनमैन की बेस्ट फ्रेंड और मूजे को, जो दोनों साथ में रहते हैं। मूजे कोई बाइक का पार्ट ढूंढ रहा था, वो बहुत सारा दुकान में जाता है लेकिन आखिरी वाला दुकान में मिल ही जाता है। फिर वो वेन की बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है, वो उसे कुछ बोलती, उसे पहले उसको उठा के एक दुकान के पास लेके जाता है। वहाँ पे उसको अपनी गर्लफ्रेंड बोल के उसको दाम कम कराता है, पर उसका शॉप होने पर भांडा फोड़ने ही वाला था, फिर वो बच जाता है। लेकिन याम को समझ में आ जाता है, अब मूजे का झूठ पकड़ा जाता है। और दूसरी तरफ हम मेनमैन को देखते हैं जो लाला को खोज रही थी, तभी उसको डब्बा में हाथ का वेस्टलेट मिलता है, वो छुपा लेती है। लाला भी वही वेस्टलेट को ढूंढ रहा था लेकिन लॉ तो पहले ही देख लिया था। तब वेनमैन पूछते तुम कहाँ थे, तुम डिनर करने के लिए साथ क्यों नहीं आए। इसलिए उसको चिंता था, पर वो बहाना बोल देती है कि दादी तुमको लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थी। फिर लॉ बोलता है कि तुम दोनों इतने साथ में क्यों हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना। इससे हमें यह पता चलता है कि लाला बहुत ज्यादा जलस हो रहा था, यह देख के वेनमैन हंस रही थी। फिर वेनमैन उसको ये भी दिलासा दिलाती है कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, वो लोग बस फ्रेंड हैं। फिर लॉ खुश हो जाता है, उसके हाथ में वो वेस्टलेट अपने हाथों से पहना देता है। फिर उन दोनों का जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग था सब क्लियर हो जाता है। फिर वो लोग किस करते हैं, किस करते हुए सीजन उन लोग को देख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो लोग दादी के घर से वापस आ रहे थे। जब लाला और वेनमैन हाथ पकड़े हुए थे तो सीजन को देखकर बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था, वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं याया और वेनमैन कॉम्पिटिशन के दिन में कपड़े सिलेक्ट कर रही थी, तभी वहाँ पे या मूसे को देख लेती और गुस्से से वहाँ पर जाने लगती और वेनमैन को कहती है कि कोई मेरे बारे में पूछे कुछ मत बताना। हम देखते हैं वहाँ पे सीचैन आया था ऐसा जज बन के, तो वेनमैन बोलती है कि तुम मेरे साथ इतना पोलाइट मत बनो, सबको इक्वली देखो। उन दोनों को साथ में क्लोज कोई फोटो ले लेता है। कंपटीशन स्टार्ट होता है, इस कंपटीशन में हमारी हीरोइन वेनमैन जीत जाती। एक लड़की उठ के बोलती है कि हम लोग नहीं माने कि इस कंपटीशन में वेनमैन जीती है। दोनों का साथ वाला फोटो भी दिखाती है, बोलती है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। और सीचैन ये भी बोलता है कि ये लड़की जो बोल रही है सब गलत है, सब कुछ नहीं है। राव वहाँ पे आता है सिचुएशन को संभालता है। वो लोग इस कंडीशन में मानते हैं कि वेनमैन इस ड्रेस को फिर से डिजाइन करेगी। फिर कुछ देर बाद देखते हैं वेनमैन बड़ी मेहनत से फिर एक न्यू वाला डिजाइन करती है कपड़े को, और फिर मॉडल के साथ वो पेश होती है स्टेज पर सभी लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन करती है इस डिजाइन के बारे में। सभी लोग को बहुत अच्छा लगता है, ये कॉम्पिटिशन हमारी हीरोइन जीत जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि तीनों साथ में घूमने के लिए आए हुए थे। फिर वेनमैन ये देख रही थी कि उन दोनों के बीच में थोड़ा मोड़ा झड़प हो रहा है, जिससे वेनमैन बहुत ज्यादा परेशान होती है, वो जाने लगती है। फिर वो दोनों मिलकर वेनमैन को रोकते हैं और वो लोग खाने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों अपने में ही लगे पड़े हुए थे, तो वेनमैन बोलते हैं कोई मुझसे भी तो पूछो मुझे क्या खाना है। देखते वो लोग खाना खाने जाते हैं, जहाँ पर सीचैन बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है, तो वेनमैन अपने हाथ से लॉ को खाना खिलाती है। यह देखकर सीचैन बहुत ज्यादा जलस फील करता है। फिर उन दोनों का बीच में ड्रिंक करने का कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं सीचैन ड्रिंक करके पूरा टूल हो गया था। जब वेनमैन उसका कपड़े चेंज करने जा रही थी तो लॉ को बहुत ज्यादा जलस फील होता है, वो उसको हटा कर खुद उसको कपड़ा चेंज करने लगता है। फिर उसका हरकत देखकर तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। कुछ देर बाद देखते हैं सीचैन ओनली चादर ओढ़ा हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं सीचैन लॉ का पैर पकड़ के सोया हुआ था। लॉ उसको एक लात मारता है, वो गुस्से से वहाँ से चले जाता है। जब वेनमैन उठती है तो गेट खोलती है, तो उसको पता चलता है कि कोई गेट बाहर से लॉक कर दिया है, लेकिन एक्चुअली लाला उसको बंद किया था, पर वो ब्लेम कर देता है सीचैन पे। जब वेनमैन लाला से पूछती है कि सीचैन कहाँ गया,
लाला बोलता है कि वो चले गया। उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होता है, तुम ऐसे कैसे जाने दे सकते हो, वो मेरा भाई की तरह है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मेमे और उसके फ्रेंड लोग के साथ देखते हैं, जो उन लोग को पता चल जाता है कि या और विनमिन ट्विन सिस्टर है। फिर हम देखते हैं या जब जा रही थी तो मुझे उसको पकड़ कर लेके जाता है, उसको न्यू बाइक देता है, बोलते है माफी के तौर पर मैं तुम्हें बाइक दे रहा हूँ। तो या बोलती है कि मैं तुम्हारे मीठी बातों में फंसने वाली नहीं हूँ, और बोलता है कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। मुझे सुनकर बहुत ज्यादा उसको बुरा फील होता है। फिर लाला के पास जाता है, अपना दुखड़ा उसे सुनाता है, बोलता है कि लड़की को समझना बहुत मुश्किल है। आप लोग को भी लगता है कि लड़की को समझना मुश्किल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं लाला और वेनमिन साथ में थी, वो उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है। तभी वेनमिन लाओ को बताती है कि सीचा ना वो दोनों साथ में कैसे बड़े हुए। बोलते है कि तुम तो समझ सकते हो ना बेस्ट फ्रेंड होना कैसा होता है। तो लाओ बोलता है मैं समझ सकता हूँ। फिर वो बोलती है ठीक है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सीजन से मिलने जा रही हूँ। और वो ये भी बोलती है कि तुम मेरा घर पे वेट करना। लाओ उसे कुछ नहीं बोलता है, पर अंदर से तो बहुत ज्यादा जलस फील हो रहा था उसको। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सीचन एंड विनविन बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पे लाओ आ जाता है, बोलता है तुम दोनों का बातें खत्म हो गया है तो विनविन घर चलो। फिर वो दोनों मिलकर विनविन को टालने लगते हैं। यार वो दोनों से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर हम देखते हैं जियान लाओ के पास जाती है और उसे माफी मांगती है। तो लाओ बोलता है तुम मुझसे दूर ही रहो, बहुत बढ़िया होगा तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। फिर वहाँ से चले जाता है। विनविन और याओ बातें कर रहे थे तो लाओ बोलती है कि तुम्हें मुझे बस परेशान करता है ना। तो याओ बोलती है हाँ वो मुझे सिर्फ परेशान करता है, मुझे लाइब्रेरी में था तभी उसको छींक आता है। तो कन्फर्म हो जाता है कि याओ उसको याद कर रही है, वो लाइब्रेरी में बाइक के बारे में टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करने गया था। मुझे अपने फोन पर याओ का वॉलपेपर लगाया रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विनविन चुपके चुपके लाओ के रूम में जाती है, उसका लैपटॉप ऑन करने की कोशिश करती है पर नहीं होता है। तभी वहाँ पे लाओ आ जाता है, वो उससे पूछता तुम क्या कर रही थी, तो बोलता मैं बस कुछ चेक कर रही थी। तभी लाओ उसको बोलते है कि प्राइवेट चीज उसका चेक ना करे। जैसे ही लाओ लैपटॉप का पासवर्ड बताने वाला था तभी वो बोल देती है। तो लाओ सोचता तुम्हें कैसे पता है। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ा सा झड़क होता है और वो दोनों कुछ ज्यादा ही करीब हो जाते हैं। विनविन उसको किस करके थैंक यू बोलता है, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरे से हम देखते यान और ये साथ में थे, जियांग और मेमे साथ में देख लेते हैं। तो मेमे उसे बताती है कि ये दोनों सिस्टर ट्विंस है। तभी मेमे कुछ प्रूफ दिखाती है तो जियांग मान लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लाओ और याओ का कंपटीशन हो रहा था, तभी लाओ आ जाता है, वो गिर जाता है। तभी लाओ पक्ष लेकर एक लड़की उसको लाओ के बारे में बहुत बुरा बोलने लगती है, जिसको देखकर जिया और मेमे दोनों गुस्सा करने लगती है उस लड़की पे। फिर हम देखते हैं मुझे और यान लाओ को बता रहा था कि रूमर्स फैल गया है कि तुम याओ बहुत गलत तरीके से इंजर्ड कर दिए हो। तभी याओ का पर्दाफाश करने के लिए मुझे पीछे उसका पीछा करता है, जैसे ही याओ के पास बॉल आता है वो बॉल मार देता है और फिर ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि उसका पैर में इंजर्ड हो गया है और मुझे ऐसा फोटो क्लिक कर लेता है। तभी हम देखते हैं मुझे और विनविन का टीम बन जाता है, फिर वो दोनों मिलकर उस लड़के के खिलाफ पूरा एविडेंस इकट्ठा करते हैं। तक वो लोग सभी मिलकर हांगोंग का पीछा करने लगते हैं। वो लोग क्लब में जाते हैं जहाँ पे मुझे एक्टिंग करता है कि वो कुछ देख नहीं सकता है, वो उसका स्टिक गिरा देता है, उसके ऊपर ड्रिंक भी गिरा देता है, जिससे गुस्सा होकर वो लोग खड़े हो जाते हैं। ये सब रिकॉर्डिंग याओ कर रही थी। वो लोग उसके खिलाफ अच्छा खासा एविडेंस इकट्ठा कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं विनविन लाओ के पास जाती है तो लाओ पूछता तुम मेरा फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। तो विनविन बोलती कोई भी मेरे बॉयफ्रेंड को गलत तरीका से ट्रीट करेगा तो मैं छोड़ने वाली तो हूँ नहीं। वो उसको पूरा एविडेंस दिखाती है। लाओ उसको पोस्ट करने के लिए मना करता है तो विनविन बोलती है क्यों, क्योंकि लाओ नहीं चाहता था कि उसका क्लासमेट किसी तरीके से हर्ट हो, अगर ये वीडियो वायरल हो जाएगा तो उसके खिलाफ सब नेगेटिव बातें करेंगे। ये सुनकर विनविन उसको हग कर लेती है और बोलती तुम बहुत अच्छे हो। चैन विनविन जहाँ थी वहाँ पर सीचन की दादी उसे बताती है कि हांगोंग को लेकर सब बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। विनविन को ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो हांगोंग से मिलने चली जाती है और उसको कल रात वाला वीडियो दिखाती है। यह देखकर हांगोंग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और डर भी जाता है और वो हांगोंग को वार्न करके आती है। इसके बाद हम देखते हैं सीचन एक टी शर्ट को डिजाइन किया था जो बाकी बहुत सुंदर था। तभी वहाँ पे लाला आ जाता, बोलती है इतना खास नहीं लग रहा है। तभी सीचन गुस्सा हो जाता, उसको ब्रश देता, बोलता है तुम बनाओ। तभी विनविन बोलती है कोई बात नहीं हम सब मिलकर बनाएंगे। फिर सीचन सभी टी शर्ट को अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ था तो सभी लोग उस टी शर्ट को सेल करने में लगे हुए थे अपने अपने तरीका से। इसके बाद हम देखते हैं सभी फैन गर्ल लाला को बड़े स्क्रीन में देख रही थी, इसका मतलब वो फिर से प्रेसिडेंट बन चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मुझे यह बाइक को ठीक कर दिया था,
उसके पैर में थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया था, पर इस बात को उसको फिर फिक्र नहीं था। वो इस बात का खुश था कि उसका बैग ठीक हो गया है। फिर हम देखते हैं याओ को वेंगन बताती है कि तुम्हारे बाइक के लिए मुझे इंजर्ड हो गया और तुम्हारे बाइक के लिए मुझे बहुत कुछ किया है। फिर हम देखते हैं याओ खाना बनाकर लाई थी जो वेंगन को दे देती है और ये भी बोलती है कि उसे नहीं बताना कि मैं उसे खाना दी हूँ। फिर वेंगन वो खाना लेकर मुझे के पास जाता है, बोलते है कि कोई स्पेशल तुम्हारे लिए खाना भिजवाया। मुझे समझ जाता है कि ये याओ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं याओ मुझे का नंबर को अनब्लॉक कर देती है। मुझे चौकर सूप पीने लगता है। और दूसरे दिन देखते हैं वेंगन याओ को बताती है कि मुझे अब ठीक हो गया है। फिर हम देखते हैं दोनों दोस्त बात कर रहे थे, इसमें वेंगन बताती है कि लाओ उसको एक शॉप दिया है। वो शॉप पे सारा सामान लेके जाती है पर वो सारा सामान रिजेक्ट हो जाता है। जब वो वापस आ रही थी उसका पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था, तभी सीचान देख लेता है, उसे अपने साथ लेके जाता है और मेडिसिन भी देता है। सीचान उसको अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। तभी वहाँ पे लाओ आ जाता है और सीचान उसे बोलता है कि तुम अगर ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रहे हो तो मैं रख लूंगा, वैसे भी मैं उसको पसंद करता हूँ। फिर लाओ वहाँ से चले जाता है और वेंगन पे गुस्सा था कि वो अपना अच्छे से ध्यान नहीं रख रही थी, फिर उसको किस करता है। और दूसरी तरफ हम याओ को देखते हैं जो बाथरूम में जाती है, तभी उसके पीछे मेमे का डॉक्टर का कॉल पिकअप कर लेती है, सब बात सुन लेती है और बोलती है कि वेंगन बीमार है। फिर लाओ वेंगन को घर लाता है और बेड पे बैठा देता है और उसका जूते खोलने लगता है। तो वेंगन बोलती है अरे यार मेरे को पेट में दर्द है, पैर में नहीं, मैं कर सकती हूँ। फिर वो जाता है वेंगन के लिए पानी लेकर आता है और उसे पानी देता है और बोलता है कि तुम कुछ खाती नहीं हो ना ज्यादा, काम में बिजी रहती हो इसीलिए तुम्हारा पेट में दर्द होता है। और उसको बड़े प्यार से पेट को सहलाता है और वो लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। वेंगन लाओ के कंधे पर सरक के सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं वेंगन फ्रिज में जाकर आइसक्रीम ढूंढती है पर उसे नहीं मिलता है। तभी वहाँ पे लाओ आ जाता है और बोलता है तुम आइसक्रीम ढूंढ रही थी ना। वेंगन बोलती है नहीं नहीं मैं तो देख रही थी। लॉ बोलता है मुझे मना किया तुम्हें आइसक्रीम देने के लिए, अब कोई भी चीज ठंडा देने के लिए, तुम्हारे पेट में दर्द जो है। फिर उसके लिए वो हॉट टी लाता उसको देता है और वेंगन बोलती वाह तुम कितने परफेक्ट हो यार, सच्ची तुम बहुत परफेक्ट हो, वंडरफुल बॉयफ्रेंड हो, कोई कैसे हैंडल कर सकता है। तो लॉ बोलता है तुम तो कर सकती हो। तो दोनों प्यार से बातें करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वेंगन को शॉप ओनर का कॉल आता है, वो शॉप को बहुत ही सस्ते दाम में बेच रहा था। जब वेंगन देखने जाती है तो शॉप बहुत ही ज्यादा अच्छा था और बहुत बड़ा था लेकिन सस्ता दाम था। तो वो ऑनर से पूछते हैं इतने सस्ते दाम में क्यों बेच रहे हैं। तो वो बोला था कि मेरी पत्नी के लिए मैंने खरीदा था और मैंने शॉप को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट भी किया था पर मैं चला नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं सीजन वेंगन को कॉल करता है, बोलता है कि तुम मुझे कॉल क्यों नहीं की। वो बोलते है कि मैं भी शॉप के काम में बहुत ज्यादा बिजी थी। और सीजन ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तो बोलती कि मैं अभी बिजी हूँ और वैसे भी मुझे लॉ के साथ एग्जीबिशन में साथ जाना है। फिर हम देखते हैं वेंगन लॉ का सेविंग कर रही थी, वो उसको बहुत ज्यादा मस्का लगा रही थी। लॉ भी समझ जाता है और बोलता अब क्या चाहिए तुम्हें बोलो, मैंने एक शॉप देखा जो बहुत ही ज्यादा सस्ता दाम में, उसका टर्म एंड कंडीशन तुम एक बार देख लो। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस शॉप ऑनर से बुलवा कर लॉ उस शॉप को सस्ता दाम करवा दिया था और लॉ उस टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद मान जाता है। यह सुनकर वेंगन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम मुझे को देखते हैं जो बाइक लेकर याओ के पास आ गया था। याओ को बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि तुम मेरा बाइक कैसे लेके जा सकते हो। याओ बोलते है तुम वेंगन के साथ मिले ही हो ना। मुझे बोलता है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। याओ उसको कुछ ज्यादा ही करीब जाती है मारने के लिए, तभी वो हंसने लगती है। फिर हम देखते हैं याओ उसको बॉयफ्रेंड बनाने के लिए मान जाती है। यह सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसको प्रॉमिस भी करते कि उसका अच्छे तरीके से ध्यान रखेगा, उसका हर रूल फॉलो करेगा। मुझे उसको हक करने जा ही रहा था फिर अपने आप को रोक लेता है, फिर लॉ उसे हक कर लेती है। फिर हम देखते हैं लॉ और वेंगन एक एग्जीबिशन में आया हुआ था, वो लोग पेंटिंग देख रहे थे। तभी लॉ को कॉल आता है तो वो वहाँ से चले जाता है। तभी लाइट चली जाती है। फिर वेंगन ने मेन पेंटिंग को देखते जिसमें उसका पिक्चर बना हुआ था। तभी वहाँ पर सीजन बुके लेकर आता है, उसको प्रपोज करता है। वो एकदम कंफ्यूज हो जाती है। फिर सीजन बोलता है कि तुम मेरी फ्रेंड तो हो पर मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। इतने में ही लॉ आता है, उसको लेकर चले जाता है। जब लाइट आती है तो सीजन सोचता है कि वेंगन कहाँ गई। फिर वेंगन लॉ से माफी मांगती है इस सब के लिए। तो लॉ बोलता है क्यों माफी मांग रही है, तुम इतनी क्यूट हो कि सभी तुमको पसंद करते हैं। फिर हम सीचान को देखते हैं जो ओल्ड मेमोरी के बारे में याद करता है। अब बोलता है कि अब मुझे सपने से उठना होगा। फिर वो वेंगन के फोटो पर पर्दा डाल देता है। इधर हम देखते हैं वेंगन लाओ भी अपने लाइफ में खुश थे और दूसरी तरफ मुझे और याओ भी अपने लाइफ में खुश थे। फिर हम देखते हैं वो लोग जब शॉप को सजा रहे थे तभी लाओ की माँ आ जाती है।
वह बोलने ही वाली थी तभी लॉ उसको बात छुपाने के लिए मम्मी को इशारा करता है तो वो नहीं बोलती है। फिर वो लोग उसको अच्छे से विश करते हैं न्यू सोप खोलने के लिए और ऑल द बेस्ट बोल के वहाँ से चली जाती है और उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। इसके बाद हम देखते हैं बेनबिन और लॉ साथ में थे, वो उसको खाना खिलाता है, वो उसको खाना खिलाती है, रोमांटिक सा सीन देखने को मिलता है। वो लोग बहुत अच्छी तरीके से रोमांटिक वाला नाइट स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यान और ये की बातें सुन रही थी मेमे, जब बात करते करते थोड़ा दूर चली जाती है तब मेमे आती है उसके डेस्क पर ढूंढने लगती है एविडेंस के तौर पे। वहाँ पर ये आ जाती है और वो सब देख लेती है, पूछती है तुम क्या कर रही हो, फिर वो बहाना मारने लगती है तो एक वहाँ से चली जाती है और मेमे यहाँ पे उसकी रिपोर्ट देख लेती है। वो जितने भी दिन हॉस्पिटल में थी सब कुछ लिखा हुआ रहता है, उसका वो फोटो क्लिक कर लेती है रिपोर्ट का। नेक्स्ट डे हम देखते हैं या मुझे लाला वेन वेन सभी खुश थे, वो सब का ओपनिंग करते हैं। मेमे जिया को दिखा रही थी जो रिपोर्ट का वो फोटो ली थी ये का। दूसरी तरफ मुझे और लाला को देखते हैं दोनों साथ में बातें कर रहे थे। फिर जिया आती है फॉर्म को रिलेटेड कुछ बात करती है तो लॉ बोलता है कि मैं जब कंप्लीट कर लूंगा तो तुम्हें बता दूंगा और वहाँ से चले जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं दोनों कपल मिलकर ट्रेन में घूम रहे होते हैं और बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद हम फिर देखते हैं लॉ घोड़े पर सवार होकर आ रहा था, एकदम प्रिंस की तरह लग रहा था। फिर वेन वेन और मुझे साथ में जाते हैं देखने के लिए तो लॉ को देखते घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, फिर उसको राइड के लिए भी पूछता है, पहले तो मना करती है फिर बाद में मान जाती है। और लॉ मुझे से पूछता है तुम्हें चलना चाहोगे, तो मुझे बोलता है मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता हूँ और वो ये भी बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। इसके अंदर हम देखते हैं वो लोग हॉर्स पर बैठे रहते हैं, राइडिंग कर रहे थे। वेन वेन डरती है पर लाला उसको संभालता है। फिर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो अपना इन्वेस्टिगेशन चालू की रहती है। जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा था वहाँ पे वेन वेन पूरा गेटअप चेंज कर गई थी। वहाँ पे जिया आई थी और बोलती कि तुम बच सकती हो, फिर वो कोमा वाला रिपोर्ट और बहुत सारा फोटो दिखाती है और एन का लव लेटर भी दिखाती है और बोलती दोनों में कोई एक चूज करो और वो ये भी कहती है अगर तुम लॉ को चूज करती है तो तुम्हारी या तुम्हारी सिस्टर को मैं एक्सपोज कर दूंगी। और वेन वेन यही बोलती है अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मुझसे बदला लो, तुम लॉ को क्यों बीच में ला रही हो। लेकिन जिया अपने बातों पर ही अड़ी हुई थी। फिर हम देखते हैं वेन वेन चूज करने जा ही रही थी तभी वहाँ पे लॉ आ जाता है और उसे बोलता तुम इसको परेशान फिर से क्यों कर रही हो जिया। फिर जिया बोलती तुम अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हो इसके चक्कर में, और लॉ बोलता इसका बिजनेस मेरा बिजनेस हम लोग संभाल लेंगे, तुम्हें इंटरफेयर करने का जरूरत नहीं है। फिर जिया वेन वेन को बोलती तुम क्या करती हो इसके ऊपर, ये अपना फ्यूचर भी दांव पे लगा रहा है तुम्हारे लिए, तुम तो इसकी गर्लफ्रेंड बनना डिजर्व ही नहीं करती हो। फिर लॉ उसको चुप कराता है और वो लिस्ट लेके फाड़ देता है। फिर जिया बोलती कि इसने कुछ नहीं था, तुम्हें ऐसा लगता कि मैं वो लड़की हूँ जो हमेशा वेन वेन को हर्ट करना चाहती हूँ, हाँ मैं इसे नफरत जरूर करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी लॉ बोलता है कि अगर तुम वेन वेन को हर्ट करोगी मतलब तुम मुझे हर्ट कर रही हो। और जिया ये भी बोलती है तुम्हारे दिल में इसके लिए ज्यादा केयर है और मेरा कोई वैल्यू नहीं है, वो बोलकर रोते हुए चली जाती है। आइए मेमे पीछे खड़ी होकर सुन रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी जिसमें वेन वेन लॉ को बोलते कि तुम मेरे लिए कभी भी अपना फ्यूचर दांव पे नहीं लगाओगे। और लाला बोलता ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा पर जब भी प्रॉब्लम आएगी मैं तुम्हारे साथ जरूर हैंडल करने की कोशिश करूंगा। अब वो दोनों प्यार से हक करते हैं और लॉ उसको फोरहेड किस भी करता है। फिर हम देखते हैं मुझे लॉ का हाथ पकड़ लेता है तो लॉ बोलती है कि सभी लोग हम लोग को देख रहे हैं, हाथ छोड़ो, मुझे तो चाहता था कि वो देखे कि उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है, कोई और लड़की सपना ना देखे उससे अपना बॉयफ्रेंड बनाने का। इधर यान या को बोलता है तुम बहुत ज्यादा टेंशन ले रही हो वेन वेन को लेकर, यान को मैसेज आता है जो एक्सपोज कर रहा था वेन वेन को। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेन वेन और लॉ साथ में जा रहे थे, वो लोग एक शॉप पे जाते हैं और डिनर साथ में बनाने लगते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं या और वेन वेन बातें कर रही थी तो यहाँ पर या शर्मा जाती है और बोलती है कि तुम दोनों परफेक्ट कपल हो लेकिन हम लोग अभी उतने तो नहीं है। और वेन वेन ये भी बोलती है कि मुझे तुम्हारे लिए एक लॉयल आदमी में कन्वर्ट हो गया और तुम क्या चाहती हो, और वो दोनों एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। दूसरी तरफ यान और ये को देखते दोनों लाइब्रेरी में थे जहाँ पे ये यान को बोलती है कि मेरी वजह से वेन वेन फंस गई है, वो सारा प्रॉब्लम अकेले ही संभाल रही है और बहुत ज्यादा डरी हुई है। तो यान बोलता है कि तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग में वेन वेन टीचर से मिलती है और वो बोलती कि मैं थर्ड फिर बोलती कि मैं थर्ड ईयर में फैशन डिजाइनर में एक स्टूडेंट हूँ। जब मैं यहाँ पर कैंपस में आई थी तभी उसके टीचर को हेडमास्टर का कॉल आता है और कॉल में हेडमास्टर उसे हेड ऑफिस बुलाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेन यान सब साथ में थे और उसके टीचर भी थे हेडमास्टर के सामने। अभी प्रिंसिपल बोलते कि मेमे ने मुझे जो वीडियो सेंड किया है तुम दोनों में से ये कौन है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं
यान और मुझे दौड़ते हुए आते हैं लॉ के पास और वो सब बात बता देते हैं। लॉ वहाँ से सुनकर भागते हुए जाता है। फिर हम देखते हैं सीचैन विनविन का घर आया था। वो जा रहा था तो बस उसको गुड बाय बोलने के लिए आया था, तभी वहाँ पर यान निकलती और बोलती कोई काम के रिलेटेड वो बाहर गई है। जब हेडमास्टर पूछते हैं तो विनविन ब्लेम अपने ऊपर लेती है, यान ये ब्लेम अपने ऊपर लेती है। मतलब वो दोनों सिस्टर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे। तभी प्रिंसिपल बोलते कि तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं, ये डिसीजन मैं लूंगा कि कौन इनोसेंट है कौन गिल्टी है। तभी वहाँ पर यान लॉ और मुझे साथ में आते हैं। फिर प्रिंसिपल बोलता है कि लॉ रहने दो और बाकी तुम लोग बाहर जाओ। प्रिंसिपल तो उसको अच्छा खासा डांट लगाते हैं। लॉ तो बस उनसे माफ़ी मांगे जा रहा था। और प्रिंसिपल ये भी बोलते हैं कि तुम इतने बड़े पोस्ट पर हो, तुम प्रेसिडेंट हो यूनियन की, तुम ऐसे हरकत कैसे कर सकते हो। तो लॉ बोलते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है, मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, आप जो भी पनिशमेंट दोगी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। प्रिंसिपल बोलता है कि इतना ईजी है तुम्हें जॉब छोड़ना, मैंने ये भी सुना है कि विनविन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो तुमने उसको लेकर एक गलती की है और एक लड़की ने तुम्हारा पूरा दिमाग को खराब कर दिया है और वैसे भी तुम नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट होने वाले हो, तुम प्रेसिडेंट पोस्ट से तो क्यूट कर दोगे पर तुम्हें अपना फ्यूचर के लेकर कोई टेंशन नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। लॉ बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा सॉरी हूँ क्योंकि मैं इतनी बड़ी गलती किया हूँ और मैं वैसे भी आपको डिसअपॉइंट किया हूँ। विनविन बाहर खड़ी होकर सारा बात सुन रही थी। तभी विनविन को जिया वाला बात याद आता है कि तुम उसी गर्लफ्रेंड बनना डिजर्व नहीं करती हो। जब लॉ बाहर निकलता है तो विनविन उसको बोलती है उसे ब्रेकअप करने के लिए। तो लॉ बोलता है थोड़ी देर के लिए ना, वो बोलती नहीं हमेशा के लिए। वो अपना हाथ छुड़वा कर भाग जाती है और लॉ उसको खोजने में लग जाता है। दूसरी तरफ सीचैन भी उसको ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ विनविन को देखते हुए बैठ कर बोली जा रही थी कि मैं लॉ की बॉर्डर नहीं बनना चाहती हूँ, मेरी वजह से उसका फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सीचैन लॉ से बार बार पूछ रहा था कि विनविन कहाँ है, तो गुस्से से लॉ उसको अच्छी खासा बात सुना देता है। लॉ विनविन को कॉल भी करता है पर फोन पिकअप नहीं करती है वो। जब लॉ पेंटिंग देख रहा था तो उसे बस विनविन की याद आ जा रही थी। तब लॉ बोलता है कि हम लोग की अब हैप्पी एंडिंग होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम बड़े से स्क्रीन में देखते हैं जहाँ पे विनविन बोलती है जो भी वो कांड की थी वो सभी को बताती है। अब बोलती है कि मुझे एक चांस मिलना चाहिए। कुछ देर बाद देखते हैं कि विनविन लॉ की टी शर्ट को सीने पर लगाकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी और उसके साथ लगेज भी रहता है। वो अपने मन में सोचती है विनविन तुम एक लूजर हो, तुम लॉ को भी छोड़ के जा रही हो और स्कूल को भी छोड़ के जा रही हो। तभी लॉ आता है उसको गेट खोलने के लिए बोलता है पर विनविन बोलती है कि तुम चले जाओ, मैं अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती हूँ। तो लॉ को समझ में आ जाता है कि वो स्कूल ड्रॉप करने वाली है और लॉ ये भी बोलता है कि एज अ बॉयफ्रेंड मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने नहीं दूंगा। तो विनविन बोलती है तुम ज्यादा दिन तक मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बने रहोगे। तो लॉ ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हार्ट फील करता है, बस वो एक ही बात बोले जा रहा था कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगा। फिर वो दोनों अपोजिट साइड बैठे थे, अब बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं लॉ सभी फ्रेंड को हेल्प से प्लान बनाता है उसको विनविन को रोकने के लिए और कन्विंस करने के लिए। तभी वहाँ पे सीचैन आ जाता है, बोलते है कि मैं भी हेल्प करूंगा। यह लॉ सुनकर थोड़ा सा स्माइल देता है। जब विनविन लगेज लेके जा रही थी तो वहाँ पे जॉ और मुझे आती है, वो बोलती तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार। हम देखते हैं वो दोनों विनविन को कन्विंस करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन लास्ट में हमारी हीरोइन मान जाती है। फिर वो यह उसको बाइक पर बैठा कर कहीं लेकर जा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं सीचैन और उसकी दादी और लॉ हेडमास्टर से मिलने के लिए जा रहे थे। फिर हम देखते हैं टीचर हेडमास्टर को कन्विंस करने के लिए लगा हुआ था, वो ईए के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था। पूरा कॉलेज का स्टूडेंट लोग यही क्यूरियस था कि क्या रिजल्ट निकलेगा। फिर टीचर बाहर निकलते बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। फिर हम देखते हैं विनविन लॉ के घर आती है और मुझे को यह कहकर बोलती है कि उसको बोल देना कि मैं उसका वेट कर रही हूँ। फिर वहाँ से चली जाती है। लॉ तो पहले इग्नोर करता है फिर रुक जाता है। तो विनविन उसको थैंक यू बोलती है, जब उसको हाथ पकड़ती है तो वो हाथ छटक देता है, तो फिर उसको बैक हग कर लेती है। फिर लॉ उसको छुड़वा देता है और बोलता है विनविन हम लोग अब ब्रेकअप कर लिए, हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। और विनविन उसे माफी मांगने जा रही थी। जब लॉ जाने लगता है तो विनविन उसको रोकती है। लॉ रुकना चाहता था पर वो नहीं रुकता, चले जाता है। फिर देखते हैं रात में विनविन वो वेस्टर्ड देखकर लॉ को यादों में खोई हुई थी। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और बोलती है तुम मेरे सामने स्ट्रांग बनने का कोशिश मत करो, मैं तुम्हें जानती हूँ। तभी यहाँ पर बारिश होने लगता है तो वो लोग भागने लगते हैं। फिर हम लॉ को देखते जो विनविन के साथ थी, वो ये भी बोलती कि मैंने मुझे कहा है कि लॉ को साथ मिलाने के लिए। तो विनविन उसको थैंक यू बोलती उसकी हेल्प करने के लिए। तभी उसको मुझे कॉल आता है, वो बोलता है कि मैं इस बार फेल हो गया हूँ पर मैं नेक्स्ट टाइम कर लूंगा। यह सुनकर विनविन बहुत ज्यादा हार्ट फील करती है।
और वो सोचते है कि लाला तुम एक हीरो और मैं एक डरपोक हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। तभी वहाँ पे फायर क्रैकर जलने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं यूया को कॉल करती है। वो लोग का प्लान फिर बनता है लाइब्रेरी वाला। जब वो लाइब्रेरी जाती है तो वहाँ पे लॉ रहता है। वो जैसे ही लॉ के पास जाने वाली थी तभी लॉ वहाँ से चले जाता है। लॉ विन विन को देख लेता है और उसको इस तरह उसके पीछे डरवा रहा था, लग रहा था सारी चीज का बदला ले रहा है। फिर हम देखते हैं सीचन लाला के भरोसे विन विन को छोड़ के चला जाता है। फिर हम देखते हैं लाला और सीचन साथ में बातें कर रहे थे। सीचन बोलता है लॉ मैं तुम्हें विन विन दे रहा हूँ, उसका ख्याल रखना अच्छी तरीका से। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीचन और विनविन साथ में थे, जहाँ पे सीचन विनविन को बताता है कि वो कल जा रहा है। विनविन बोलती है तुम तो कॉलेज में फेमस हो जा रहे हो और तुम्हारा बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा, ऑल द बेस्ट ही बोलती है उसे। फिर विनविन पूछती है कि तुम वापस कब आओगे, तो बोलते मैं तो ग्रेजुएशन के बाद ही आऊँगा। फिर लास्ट टाइम उसको बाल सहराने को बोलता है लव, विनविन उसको लास्ट टाइम बाल सहलाती है। फिर दूसरी तरफ हम लाला को देखते हैं जहाँ पे जियान उसे बात करने के लिए आई थी। फिर वो लोग भी अब अच्छी तरीके से बातें करते हैं, उन लोगों के बीच में जितने ही मिसअंडरस्टैंडिंग था क्लियर हो जाता है। फिर लॉ को सीवैन को कॉल आता है, वो अच्छा खासा उसको सुनाती है उसको ब्रेकअप करने के लिए विनविन से। फिर नाइट में फिर हम देखते हैं विनविन अच्छी तरीके से डेकोरेट की हुई थी, वहाँ पे यो और मुझे भी छुप कर उन लोगों को देख रहे थे। जहाँ पे लॉ आता है तो उसको पुराना वाला मोमेंट याद आने लगता है और वहाँ पे ये और यान भी थे। फिर वो दोनों को जितना भी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है क्लियर हो जाता है। लाला बोलता है कि तुम मेरी पूरी जिंदगी हो, मैं तुमसे कैसे दूर रह सकता हूँ। फिर वो तो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इधर मुझे भी या को किस कर लेता है गाल पे, और इधर यान और ये भी हाथ पकड़ लेते हैं। एक किस के साथ ये हैप्पी एंडिंग हो जाता है इस स्टोरी का। थैंक यू सो मच, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मेरा ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन कैसा रहा। बाय बाय, साथ आएंगे, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।